नमस्कार, मेरे साथ हैं आज चर्चा की इस कड़ी में प्रोफेसर जैक्सन जी। स्वच्छकार समाज की आवाज की तरफ से मैं तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ, जय भीम बोलती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं, स्वच्छकार समाज ऐसे समुदाय की आवाज को प्रतिनिधित्व देता है जिन्होंने समाज में एक परिवर्तनकारी भूमिका अदा की या स्वच्छकार का समाज की समस्याओं के बारे में चिंतन मनन और तमाम उनकी जो स्थितियां हैं सामाजिक आर्थिक राजनीतिक शैक्षणिक या जिस तरह के भी हमारी स्थितियां सामने आती है, स्वच्छकार समाज के लोग या स्वच्छकार समाज के बाहर के लोग जो इस समाज के लिए काम करते हैं, हम उन तमाम लोगों से चर्चा में जुड़े हैं। चर्चा की इस कड़ी में आज हमारे साथ हैं उस्मानिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर प्रोफेसर जयकिशन सर। सर, मैं डॉक्टर कौशल पवार स्वच्छकार समाज की आवाज की तरफ से आपको जय भीम बोलती हूँ और तमाम दर्शकों को भी मैं जय भीम बोलती हूँ। चर्चा की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे बता देना चाहती हूँ कि स्वच्छकार समाज की आवाज यूट्यूब चैनल पे आप इसको लाइव देखेंगे और फेसबुक पे लाइव देखेंगे। फेसबुक पे हमारे दो अकाउंट हैं, कौशल पवार के नाम से, एक पवार कौशल के नाम से। तमाम चर्चा के पहलुओं के साथ आज हम रूबरू होंगे प्रोफेसर जयकिशन जी से। इसके साथ साथ सर, हम कुछ सवालों को भी लेंगे जो हमारे दर्शक आपसे पूछना चाहेंगे। तो सर, मैं सीधा अब आपकी तरफ आती हूँ। सर, मैं जानना चाहती हूँ कि आपके सामाजिक और शैक्षणिक पृष्ठभूमि क्या है। जी सर, जय भीम। जय भीम। आप सभी दर्शकों को मेरा जय भीम और स्वच्छकार समाज चैनल को बधाई। थैंक यू। उनका मैं अभिनंदन करता हूँ और कौशल जी आपका भी अभिनंदन करता हूँ कि आप समाज के लिए जो इतना मेहनत करके कष्ट उठाकर जो समाज की आवाज को बुलंद कर रहे हैं तो वो सराहनीय कदम है। थैंक यू सो मच। आज के जो इलेक्ट्रॉनिक युग में, मीडिया युग में इन चीजों की बहुत ही जरूरत है। तो इस विषय में हम लोग, मेरे जैसे लोग अनपढ़ हैं समझो, क्योंकि इन चीजों से हम बहुत दूर रहे, उसका खामियाजा भुगतना ही पड़ रहा है समझो। तो खैर, कोई बात नहीं, आपको फिर से मैं हार्दिक बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि आपका चैनल फले फूले और आपका नाम रोशन हो, समाज का नाम रोशन हो। और सभी दर्शकों को, सुनने वालों को मेरा जय भीम। मेरा नाम जय किशन है। मैं आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद हुआ करती थी, अभी तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। तो उस हैदराबाद के सुल्तानशाही मोहल्ले में मैं पैदा हुआ। वो जो सुल्तानशाही मोहल्ला है वो वाल्मीकियों का या चूहड़ों का या मेहतरों का या बंदियों का बहुत बड़ा मोहल्ला है। ज़्यादातर वहाँ हरियाणा से आकर बसे हुए लोग रहते हैं। तो उस जन्मभूमि पे मेरा जन्म हुआ 1954 मार्च 1954 में। ये कोई मतलब जो ये तिथि है वो मेरी नहीं है, मेरे माँ बाप की नहीं है, क्योंकि उस समय कोई तिथि लिखी नहीं जाती थी, रिकॉर्ड नहीं की जाती थी। तो जो स्कूल में जो हमारी भी नहीं लिखी जाती सर। जी जी। तो स्कूल में जिसने पता ही नहीं हमें। जी जी जी। तो स्कूल में जो लिखा गया वही मान लिया गया, वही मान्य, तो वही हमारा जन्मदिन है। तो कब पैदा हुए, किस पैदा हुए, खाली इतना ही माँ बाप ने कहा कि 1954 में पैदा हुए थे, फलाने फलाने देसी महीना बताया था उन्होंने। तो खैर, वो उन्होंने नहीं माना तो वो कुछ कैलकुलेशन करके उन्होंने उस दिया। तो उस मोहल्ले में ज्यादातर लोग जो चूड़ा कहते हैं जिनको, और पूरे भारत में उनको भंगी कहा जाता है, उसका अरबी फारसी तुर्की नाम, फारसी में और अरबी में तुर्की में उसको मेहतर कहा जाता है, और हमारे हरियाणा में और पंजाब में हिमाचल में उसको चूड़ा कहा जाता है, पाकिस्तान में भी चूड़ा कहा जाता है। तो बाकी अन्य शहरों में चूड़ा नहीं कहा जाता, जो माइग्रेटेड है हरियाणा पंजाब या यूपी से जो बाहर जाते हैं, पूरे भारत से या भारत में बाहर, उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो हमको यहाँ मेहतर के नाम से जाना जाता है और मेहतर के नाम से प्रमाण पत्र मिलता है, उसी के नाम से सारी सुविधाएं मिलती हैं। तो यहाँ हमारी जो संख्या है वो बहुत कम है, लगभग 1000 परिवार होंगे मुश्किल से, और 7-8 मोहल्ले हैं, बड़े बड़े मोहल्ले, बाकी छोटे छोटे मोहल्ले हैं। तो मेरी जो शिक्षा है वो जो मान्य सरकारी अनुदान जिन स्कूलों को मिलता है, हिंदी माध्यम के स्कूलों को, उन स्कूलों में मेरी पढ़ाई हुई है, सारी पढ़ाई हिंदी माध्यम से हुई है। और कॉलेज भी जो अनुदान प्राप्त जूनियर कॉलेज, डिग्री कॉलेज है, उन्हीं में मेरी हिंदी माध्यम से डिग्री तक पढ़ाई की है। बीच में डिग्री पढ़ाई छूट गई थी, कुछ कारणवश छूट गई थी। तो उसके बाद फिर 1977 में मुझे क्लर्क कम टाइपिस्ट का जॉब मिल गया था राज्य सरकार के अंतर्गत 1977 मार्च में।
तो उसके बाद फिर मेरी जो पढ़ाई थी फाइनल में छूट गई थी वो 76 में, फिर मैंने बाद में फिर 81 में फिर बीए किया, मतलब करस्पॉन्डेंस से या आजकल डिस्टेंस एजुकेशन कहते हैं। फिर वैसे ही काम करते करते समझो बीए किया, फिर एमए हिंदी से किया, फिर एमफिल किया, पीजी डिप्लोमा ट्रांसलेशन किया, फिर 1987 में फिर मुझे आंध्र प्रदेश सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से लेक्चरर का पद मिल गया, जो लिखित परीक्षा थी उसमें मौखिक परीक्षा, उसमें सिलेक्शन हो गया मेरा। तो यहाँ से एक 150 किलोमीटर दूर वारंगल जिला है, वहाँ मेरी नियुक्ति हो गई सरकारी कॉलेज में। 4 साल मैंने वहाँ पढ़ाई की, पढ़ाया मैंने। बच्चे तो नहीं होते थे, एक दो ही होते थे, क्योंकि वहाँ तेलुगु भाषा के लोग रहे, तेलुगु भाषा के बोलने वाले ज़्यादा हैं, हिंदी को बहुत कम जानते हैं। फिर भी वो दूसरे अन्य काम लेते थे मुझसे, तो अब मुझे तो नौकरी करनी थी। तो फिर उसके बाद तुझे 91 में मैं उस्मानी विश्वविद्यालय में आ गया, यहाँ पर नियुक्ति हो गई। फिर यहाँ मैंने 20 साल काम किया, और विभिन्न उस्मानी विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो 3-4 कॉलेज है उसमें काम किया मैंने, 5 साल कहीं, 10 साल कहीं, 5 साल, इस तरह टोटल 20 साल मैंने यहाँ काम किया। और उसके बाद फिर मैंने सेवा वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया 2011 दिसंबर। उस बीच में जब मैं इंटर में था, तभी से जो समाज का जो लगन थी कि हमारे साथ इतना भेदभाव क्यों होता है स्कूल में कॉलेज सर, में। मैं आऊंगी आपसे इस प्रश्न पे। जी जी मैं आपसे एक जिज्ञासा मेरी बढ़ रही है, अगर आप उचित समझे तो। वीआरएस का कुछ खास कारण सर? मैंने 2007 में नौकरी छोड़ने का निर्णय लिया था। तो जी ये लिया था कि मैंने 2007 में 1 साल मैंने बिना वेतन के छुट्टी ली थी समझो, क्योंकि सारी मेरी जो छुट्टियां थी वो आंदोलन में खत्म हो जाती थी, और वैसे भी टीचिंग में छुट्टियां कम होती हैं समझो, अर्न लीव कम होती है, तो वो सारी खत्म हो जाती थी। तो मेरे पास कोई छुट्टियां नहीं थी, तो मैंने एक मीटिंग करके अपने साथियों से सलाह की कि मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूँ। और तो सभी ने अपना अपना निर्णय यही दिया कि नहीं, तुम्हारी आमदनी कुछ है ही नहीं, फिर तुम कैसे अपना आंदोलन चलाओगे, समाज से कुछ मिलेगा नहीं, कोई अनुदान देगा नहीं, कोई चंदा देगा नहीं, आर्थिक सहायता कहाँ से मिलेगी। तो सभी साथियों ने कहा नहीं, 3 साल और कर लो ताकि तुम्हारे 20 साल हो जाए, उसके बाद फिर वीआरएस लेकर अपना छोड़ देना ताकि कुछ पेंशन मिल जाए। मुझे वो सलाह अच्छी लगी, फिर जी मैंने एक जी साल तक छुट्टी लगाई उसमें, जी वीआरएस लेकर मैं हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, तो इनकी यहाँ पर कुछ जिलों में घूमता रहा मैं, अपने मोहल्ले में घूमता रहा। और एक पर्चा था मेरा अपने समाज की समस्याओं को लेकर, जो मांगे थी उसको मैं बांटता रहा, जी क्या घर घर मांगे थे जाता सर, अगर आप बता पाए हमारे दर्शकों को। और सर एक चीज और बीच में मैं जानना चाह रही थी कि जब आपने वीआरएस लिया तो आप किस पोस्ट पे उस वक्त थे सर, था। वीआरएस लिया जब प्रोफेसर थे मैं या प्रोफेसर बन गया था मैं, बन चुके थे? जी मेरी जी नियुक्ति असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में हुई थी, फिर जी वो कैरियर एडवांसमेंट स्कीम में रीडर बन गए, फिर प्रोफेसर बन गए समझो, तो जी तो कोई उस्मानिया इस तरह। जी यूनिवर्सिटी हैदराबाद से आप प्रोफेसर के पद से फिर आपने वीआरएस, जी 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 हाँ जी जी ये बहुत बड़ा निर्णय था सर देखा जाए तो, क्योंकि हमारे लोग इस पद तक बहुत गिने चुने लोग हैं, बिल्कुल मतलब आज भी उंगलियों पर गिनने वाले हैं, बहुत कम लोग प्रोफेसरशिप तक पहुंचे हैं, और आपने समाज के काम के लिए वीआरएस ले लिया। तो मैं संगठन के बारे में भी जानना चाह रही हूँ सर कि आप किसके तहत आप सामाजिक कार्यों में इधर उधर घूमते रहे, जिसकी वजह से आपकी छुट्टियां भी रही, वो तमाम चीजें सर अवगत कराएं सर प्लीज। पहले तो क्या मैं ये मांगे सोचता थे? जी तो पहले तो मैं ये सोचता था कि मतलब अनुसूचित जाति या अछूत जाति सिर्फ हमारी, इंटर में उतना ज्ञान नहीं था और आसपास मुस्लिम लोग रहते थे, तो पता नहीं चलता था कि जाति पाति में मतलब हम ही सबसे नीचे हैं या हम ही सबसे अछूत हैं, क्योंकि तो गंदा काम करते थे सब लोग। तो मैंने भी किया इंटर, इंटर में काम, इंटर से लेकर डिग्री तक मैंने 5 साल तक ये काम किया समझो, काम करते हुए मैंने पढ़ाई की। और उसके बाद फिर आंदोलन में तो जुड़ गया था मैं, इंटर्न से ही जुड़ गया था समझो। तो ये सोचता था कि समाज को इस पेशे से कैसे मुक्ति दिलाई जाए, क्योंकि कोई अंबेडकर का भी ज्ञान नहीं था। फिर 1976 में बाबा साहब के बारे में कुछ जानकारी मिली, फिर किसी ने मुझे मैं भंगी हूँ के बारे में बताया, किताब मिली मुझे, फिर भगवान दास साहब के बारे में जानकारी, फिर 1977
से भगवान दास जी से मिलना हुआ, फिर उनको बार बार बुलाते रहे हैदराबाद में। तो जो पहले तो हम लोग यही काम करते थे कि जो वाल्मीकि मंदिर है उसमें हमने बच्चों को पढ़ाया, समझो जो जो छोटी छोटी क्लास है तो उनको पढ़ाते थे, इकट्ठा करते थे, उनको समझाते थे कि भाई बिना पढ़ाई के हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। फिर बाबा साहब के जो हिंदी में किताबें थी उनको इकट्ठा किया, यहाँ वहाँ से दिल्ली से या जलंधर से और कहीं से जहाँ से मिलती थी वहाँ से इकट्ठा करके एक छोटे से रूम में एक लाइब्रेरी चलाई गई और कहा गया कि भाई पढ़कर अपना यहाँ रख देना है समझो। तो आराम से पढ़ते रहे तो आंदोलन चलना शुरू हो गया, काफ़ी आंदोलन चला। फिर तो बीच में फिर मैंने ये सोचा था कि दास साहब से काफ़ी घनिष्ठता हो गई, फिर उनकी विद्वत्ता के भी हम लोग बहुत ही वो थे समझो कि इतने बड़े विद्वान हमारे समाज में हैं, क्योंकि तो बाबा साहब के बारे में उतना नहीं जानते थे, सिर्फ यही जानते थे कि वो बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने समाज के लिए जाति के लिए देश के लिए इतना बड़ा काम किया, पर साहित्य नहीं मिला था हमको, बाबा साहब का साहित्य नहीं मिला था। एक दो किताबें मिली थी उनके जीवन जीवन चरित्र के बारे में, तो फिर हमने सोचा कि दास साहब से हमने रिक्वेस्ट के मैं नौकरी छोड़ देता हूँ, मैं आपके साथ रहूँगा जीवन भर, आपके साथ काम करूँगा। एडवोकेट भगवान दास जी के बारे में बात कर रहे हैं ना सर? दिल्ली के, दिल्ली में जी। तो उनसे मैंने कहा कि मेरी इच्छा है कि आपके साथ रहें, क्योंकि मैंने देखा उनके साथ कोई काम करने वाला नहीं था, और दिल्ली में भी देखा मैंने कि उनको मतलब ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते थे। कारण ये था कि उन्होंने मैं भंगी हुई किताब लिखी, उसको उस किताब को पसंद नहीं करते थे, वो वाल्मीकि के कहते थे वाल्मीकि विरोधी, हालांकि वैसे नहीं थे वो, और उन्होंने भी गांव मतलब मोहल्लों मोहल्ले में काम किया, मगर लोग कहते नहीं वो तो विदेशों में घूमते थे, यानी गलत बात करते थे, और ज़्यादातर उनको एक छोटा सा वर्ग उनको मानता था। तो फिर मैंने कहा कि मैं दिल्ली में आ जाता हूँ, आपके साथ रहूँगा और आपके साथ काम करूँगा, तो उन्होंने सुझाव दिया नहीं ऐसा नहीं करना है, तुम्हें नौकरी करना है और पढ़ाई करना है, सिर्फ डिग्री से काम नहीं चलेगा और पढ़ाई करना है, और तुमको पर्सनल मतलब अपने व्यक्तिगत जीवन को और आगे बढ़ाना है। फिर मैंने कहा मैं शादी नहीं करना चाहता, तो हम वैसे ही रहूँगा, तो उन्होंने कहा नहीं। फिर उन्होंने घटना बताई कि वो खुद अविवाहित रहना चाहते थे, और ये कहते थे कि बाबा साहब के साथ थोड़े दिन उन्होंने काम किया, बाबा साहब से उन्होंने यही बात की कि मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ और आजीवन कुंवारा रहना चाहता हूँ। तो उन्होंने भी बाबा साहब ने कहा भारतीय समाज में कुंवारा रहना खतरे की घंटी है समझो, तो यहाँ पर क्या है शादीशुदा रहने के बाद ही थोड़ी बहुत सुरक्षा रहती है, सुरक्षा जी हाँ सुरक्षा मिलती है, क्योंकि हरियाणा में तो सर छड़े कहा जाता है सीधा। हाँ जी हाँ, किराए पे भी मकान नहीं मिलता। हाँ जी हाँ जी, तो बहुत सारी खासकर अपने हमारे समाज के लिए तो और भी खतरनाक चीज है, और भी ज्यादा कहीं भी फंसा सकते हैं। तो इंटर में ही मतलब पिताजी माताजी ने सबने फोर्स भी किया कि शादी कर लो, फिर किसी वजह से किसी तरह से मैंने उनको बहुत समझाया तो मान गए। फिर उसके बाद मैंने पढ़ाई जारी रखी, साथ के साथ शेड्यूल्ड कास्ट राइट्स प्रोटेक्शन सोसाइटी एक थी वहाँ पे 1963 से काम कर रही थी अनुसूचित जाति के अधिकारों के लिए, फिर मुझसे जुड़ गया। फिर 78 में सुल्तानशाही में हमने जयंती मनाई वाल्मीकि मंदिर के भीतर, और जो वहाँ पर माला मादिगा मोची और मेहतर चार जातियों को मिलाया वहाँ पर, पहले अलग अलग जातियाँ थी, अलग अलग रहते थे, अलग अलग कोई संबंध नहीं था आपस में, रहते थे एक ही जगह मगर संबंध नहीं था, तो फिर उनको इकट्ठा करके उनको फिर एक मंच पे लाया गया। फिर वहाँ से जो आंदोलन चलता रहा तो हर 3 महीने 4 महीने 5 महीने हमने वहाँ बड़े बड़े विद्वानों को बुलाकर बड़ी बड़ी सभाएं की और काफ़ी सफल रहा, और एक छोटा सा हमने भवन बनाया अंबेडकर भवन, फिर अंबेडकर स्तंभ बनाया, जिस तरह अशोक स्तंभ होता है कई जगह वैसे ही स्तंभ बनाया। हैदराबाद नहीं किया आपने? हैदराबाद सुल्तानशाही मोहल्ले में जी, और जो हैदराबाद के बीचों बीच एक हुसैन सागर है वहाँ पर बड़ी मूर्ति है बाबा साहब की, पहली मूर्ति हैदराबाद की समझो, तो वहाँ पर फिर वो जयंती मनाते थे हर साल, तो 400-500 लोग जुड़ते थे। फिर हमने 1980 में बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करके वहाँ से फिर हाथी पे हम लोग जुलूस ले जाते थे, एक आदि हिंदू भवन है जो सामाजिक आंदोलन का केंद्र रहा वहाँ पर, भाग्यरेड्डी वर्मा आदि हिंदू भवन। अच्छा भवन जी, हाँ, तो उसमें उसके संस्थापक थे वो, लड़कियों के लिए स्कूल खोला था उसने, उसमें भाग्यरेड्डी वर्मा उससे उनका नाम बागैया था, तो उन्होंने कहा कि तुम रेड्डी रख सकते हो वर्मा रख सकते हो हम क्यों नहीं रख सकते, तो उन्होंने बगावत के तौर पे बागैया से भाग्य रेड्डी वर्मा अपना नाम रख लिया, और उन्होंने एक आंदोलन चलाया उसके छुआछूत के खिलाफ, सामाजिक
कुरीतियों के खिलाफ आंदोलन, तो वहां से हम लोग, वहां से एक 15 किलोमीटर का रास्ता है समझो स्टैचू तक, फिर हम लोग हाथी पे जुलूस लेके जाते हैं। जब परमिशन था हम लोगों को, तो जो ये होता है ना चिड़ियाघर, वहां से जो किराए से वो लाते थे हाथी, तो वहां से हम लोग ले जाते। फिर साथ के साथ मोहल्लों में भी हम लोग जयंतियाँ करते थे, जहाँ जहाँ भी शेड्यूल कास्ट लोग रहते हैं वहाँ वो करते थे जयंतियाँ। और बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ समझो, तो बाबा साहब के बारे में इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया कि पूछो मत। लोग जो जय भीम बोलना ही नहीं आता है, जय भीम बोलने लगे, बाबा साहब की किताबें पढ़ने लगे और साहित्य पढ़ने लगे। तो साथ के साथ मैं समाज के काम भी मैं जुड़ा रहा। सर मैं ये लगा के जी, ये बार बार जो आरोप लगाया जाता है बहुत लोगों के द्वारा कि वाल्मीकि समाज तो कभी अम्बेडकरवादी बना ही नहीं, एडवोकेट भगवान दास जी को तो पूरी दुनिया जानती है जी, इसके अलावा बहुत सारे लोग जो बाबा साहब अम्बेडकर के पूरे मतलब उनके जो उनके सिद्धांत की थी और जो 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 उनके विचार की है उसको लेके काम कर ही रहे हैं जी, इस पे भी सर इस संदेह को दूर करने की कोशिश सर आप कीजिए इसके ऊपर बातचीत में। और आपकी मांगे क्या थी जो आप गांव गांव में लेके जाते थे वो भी विस्तार से सर हमें बताएं जी। ये जो भ्रम है कि वाल्मीकि समाज या चूड़ा समाज या बंगी समाज बाबा साहब के साथ जुड़ा नहीं, मगर शुरू में ही बाबा साहब के साथ बंगी समाज ही जुड़ा, जो चमार समाज है बाद में जुड़ा हुआ। उसका एक छोटा सा उदाहरण है, जब बाबा साहब फर्स्ट गोल में कॉन्फ्रेंस में जा रहे थे तो गांधी जी ने विरोध किया था कि ये हरिजनों का लीडर नहीं है अम्बेडकर, और पंचकुला में बैठ के उन्होंने जो वाल्मीकि समाज है उसको भड़काया गया था और काफी सफल भी हुए बाद में। फिर बाबा साहब को मानने वाले ज्यादा थे, उसमें सबसे ज्यादा हमारे ही लोग थे, तो जलंधर से अपने खून से लेटर लिखा गया वहां के ब्रिटिश हुकूमत को कि हमारा असली नेता अंबेडकर है। तो आज भी इसमें ब्रिटिश लाइब्रेरी में सुरक्षित है वो लेटर। और हिमाचल प्रदेश में रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया से बहुत सारे लोगों ने चुनाव भी लड़ा है उस समय, और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन में भी हमारे लोग थे, उसमें भी चुनाव लड़ा है, तो बहुत पहले हमारे लोग उससे जुड़ गए थे। तो बाद में क्या होता है, वो क्या है, वो एक कुछ इस तरह के लोग होते हैं जो आंदोलन को कब्जा कर लेते हैं। तो हमारे लोग वैसे ईमानदार शरीफ लोग होते हैं, वो कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, हमको तो आंदोलन चलाना है, बाबा साहब का मूवमेंट चलाना है, कोई भी नेतृत्व ले लेगा तो क्या फर्क पड़ेगा। तो उस दूसरे जो हमारा दूसरे भाई हैं चमार समाज, उन्होंने इस चीज़ का फायदा उठाया, या उसमें भी ऐसे स्वार्थी नेता होंगे जिन्होंने समाज को गलत रास्ते पर बता करके इस समाज को बदनाम किया गया। तो सभी तो लोग नहीं थे, क्योंकि मैं चमारों में भी रहा हूँ, महारों में भी रहा हूँ, सारी जातियों में रहा हूँ, तो उसमें अच्छे लोग मुझे ज्यादा मिले, खराब लोग बहुत कम मिले, जो स्वार्थी लोग होते हैं जो तोड़ने वाले हैं, जोड़ने वाले लोग ज्यादा मुझे मिले। तो मुझे तो ऐसा लगा कि जो हमारा समाज है बाबा साहब के साथ शुरू से ही जुड़ गया था, क्योंकि सफाई कर्मचारियों की पहली यूनियन बाबा साहब ने ही बनाई थी हमारे, अगर हमारे लोग उनसे नहीं जुड़ते तो वो यूनियन क्यों बनाते वो जी। और पहली हड़ताल बाबा साहब मतलब इस समाज के लोगों ने ही की, दुनिया में ऐसी हड़ताल किसी ने नहीं की जो इस समाज ने बंगाल में शुरू की, फिर दिल्ली में की, अम्बेडकर के नेतृत्व में हड़ताल की। हाँ जी जी, चर्चा कर रहे हैं सर, आप थोड़ा सा और जानकारी दीजिए सर इसकी, कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो यूनियन बनाई थी उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। और सर आवाज थोड़ी सी लाउड करनी पड़ेगी, मुझे लगता है कि दर्शक थोड़ा सा कम आवाज, थोड़ा सा और नजदीक आ जाइए आप लैपटॉप के, जिससे आवाज और ज्यादा है जी। हाँ जी जी, तो ये उसका जो यूनियन बनाई थी बाबा साहब ने सफाई कर्मचारियों की, उसके बाद क्या हुआ, कांग्रेस ने छल कपट से उस यूनियन को हथिया लिया, तो जो हमारे लोग थे उनको लालच देकर उस जो यूनियन था उसको अपने उसमें कर लिया, और जो ये जो यूनियन बाबा साहब ने बनाई थी वो पीछे रह गई। उस कारण से क्या है, लोग ये समझते कि नहीं बाबा साहब ने कोई यूनियन नहीं बनाई, बाबा साहब ने कोई इनके लिए काम नहीं किया, और सबसे ज्यादा उन्होंने अपने डिपार्टमेंट लेबर डिपार्टमेंट में और पीडब्ल्यूडी में अपने ही इस समाज के लोगों को नौकरी दी थी। किसी ने पूछा भी था कि आप चमारों में देते हैं, महारों में देते हैं या और किसी को देते हैं, तो उन्होंने गिन कर बताया था कि इतने लोग मैंने यहाँ नियुक्त किए हैं, उसमें सबसे ज्यादा ये समाज के लोग, सफाई कर्मचारी है जिसको चूड़ा बोला जाता था और या वाल्मीकि बोला है उसके लोग है, तो लोग चुप बैठ गए। फिर वो लोग जी, और ये जो मांग पत्र की जब बात जिक्र कर रहे थे आप सर, वो भी बताएं कि आप लोगों की क्या मांगे थी जिसके जिसकी वजह से आपने आपने सरकारी पद को भी एक तरह से वॉलंटरी रिटायरमेंट ली।
पहले हमारा जो पाम्पलेट था वो गरीब मुक्ति आंदोलन के नाम से हमने शुरू किया था। तो जी 2006 में हमको ये मुझे एहसास हो गया था कि अब दास साहब ज्यादा दिन नहीं रहेंगे, क्योंकि उनकी हालत इतनी खराब हो गई थी। 2-3 बार एक्सीडेंट हो गया था, उनकी तबीयत खराब रहने लगी थी, घर में कोई उनकी पत्नी नहीं रहने के कारण, कोई महिला नहीं रहने के कारण उनकी देखभाल नहीं हो पा रही थी। और जो उनके लड़के थे राहुल दास, वो अब पुरुष पुरुष ही होता है, महिला महिला ही होती है, तो वो उतने नहीं कर सके उनकी देखभाल, किसी नौकर को रखा था, ठीक नहीं। तो हमने उनके 2006 में गरीबी मुक्ति आंदोलन का उनके हाथों से हमने उद्घाटन किया था। चाह रहे थे कि हैदराबाद में बुलाए, मगर वो स्थिति में नहीं थे। तो हमने 2006 में मुनिरका में उनका एक छोटा सा दफ्तर है राहुल दास का, उसमें हमने मीटिंग की थी, जो 40-50 लोग आए थे। तो उनके साथ हमने उस आंदोलन को शुरू किया था। तो उसमें हमारी मुख्य मांगी थी इस देश में जो लोग ईमानदारी से मेहनत मजदूरी खेती व्यवसाय आदि से आदि काम करते हैं, उन्हें ही कम पैसा वेतन मिलता है। सफाई मजदूर की हालत और भी बदतर है, उसे सारा दिन गंदगी ढोना पड़ता है, गंदगी के माहौल में ही उसका रहन सहन होता है, किसी तरह की सुविधा नहीं रहती है, कर्ज में डूबा रहता है, बच्चे पढ़ लिख नहीं पाते, आपसी लड़ाई झगड़ों के कारण तनाव भरी जिंदगी बसर करता है, किसी न किसी बीमारी का शिकार होकर कम उम्र में ही उसकी मौत हो जाती है, उसके पत्नी बच्चों की हालत और बदतर हो जाती है। तो हमारी डिमांड थी हर परिवार की कम से कम मासिक आमदनी 20,000 होनी चाहिए, 2006 में हमने मांगी थी। तो अब उसके बाद हमने 2008 में उसको 50,000 किया था, जी। और सर, ये दूसरे दलित पापलेट में। गरीबी मुक्त संघ के बैनर तले था जी, जी। उसमें पहली मांग यही थी कि हमारी कम से कम 20,000 तनख्वाह होनी चाहिए और सभी बच्चों की डिग्री तक की पढ़ाई मुफ्त होनी चाहिए, सरकारी गैर सरकारी अस्पतालों में इलाज मुफ्त होना चाहिए, चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी, दोनों भी अस्पताल में उसका इलाज मुफ्त होना चाहिए, पीने का पानी मुफ्त मिलना चाहिए, सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं में काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की प्रत्येक 5 साल के बाद प्रोन्नति होनी चाहिए, रहने के लिए सभी को 100 गज जमीन मिलनी चाहिए। ये हमारी डिमांड थी उस समय से। जी बाद में फिर हमने और बढ़ा दिया उसको। तो ये पाम्पलेट हमने 2006 में, 2007 में जब मैंने एक एक साल की छुट्टी लगाई थी, तो ये बांटते रहे थे। फिर उसमें और बहुत सारी डिमांडें हमारी बढ़ती रही हैं लोगों से मिलने के बाद, ये जो समस्याओं का पता चलता रहा, तो और हमने उसको बढ़ाते रहे थे। तो उसके बाद तो बहुत सारी डिमांड बढ़ गई समझो, जो हमारी कॉमन डिमांड है आज भी, वो जो हमारी कॉमन डिमांड है, जो बुद्ध का एक सिद्धांत अष्टांगिक मार्ग, तो गरीबी मुक्ति संघ का जो मेन उद्देश्य है उसमें हमने ये मांग रखी है, जो संविधान में हमको जीने का अधिकार मिला हुआ है, उस जीने के अधिकार को सरकार ने आज तक उसको माना नहीं, लागू नहीं किया। और जीने का अधिकार सबसे बड़ा अधिकार है, मौलिक अधिकार से भी ज्यादा है, वो एक तरह से मौलिक अधिकार ही है समझो, पहला अधिकार मौलिक अधिकार जीने का अधिकार ही है। मगर उसको क्या है, उन्होंने उतना ठीक ढंग से लागू नहीं किया, किया ही नहीं मेरे ख्याल से। तो उसमें हमने रखी थी 8 डिमांड थी उसमें, प्रत्येक परिवार की मासिक आमदनी 50,000 रुपये होनी चाहिए, डिग्री तक की पढ़ाई मुफ्त होनी चाहिए, सभी का इलाज मुफ्त होना चाहिए, पानी मुफ्त मिलना चाहिए, रहने के लिए प्रत्येक परिवार को 100 गज जमीन मुफ्त मिलनी चाहिए, जो व्यक्ति अपना व्यापार धंधा करना चाहता है उसे बिना जमानत के कर्ज मिलना चाहिए, सभी नागरिकों को काम या नौकरी मिलनी चाहिए, सभी कर्मचारियों को परमानेंट करना चाहिए, समान काम समान वेतन मिलना चाहिए, प्रत्येक कामगार की किसी भी तरह के काम करने वाली व्यक्ति की कम से कम मजदूरी 200 रुपये प्रति घंटा होनी चाहिए, 200 रुपये प्रति घंटा होनी चाहिए। और 8वीं डिमांड है, बूढ़े लोगों को सारी मूलभूत सुविधाएं मुफ्त मिलनी चाहिए और ऊपर से 10,000 रुपये मासिक पेंशन मिलनी चाहिए। ये हमारा 8 अष्टांगिक मार्ग की तरह 8 हमारी मांगे हैं, जिससे इस देश की सारी गरीबी दूर हो सकती है। और वो कोई गैर कानूनी नहीं, कोई गैर संवैधानिक नहीं, संविधान के अंतर्गत है, जीने के अधिकार के अंदर सारी चीजें हैं,
जब कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट में सारी बातें आई थी तो आर्टिकल 21 के ऊपर बहुत सारी बहस हुई थी, उसमें तो संविधान में तो संक्षिप्त में लिखा गया है, और जो डिबेट है बाबा साहब की उसके बारे में, जीने के अधिकार के बारे में, बाबा साहब ने खुलकर कहा था कि ये सारी चीजें होनी चाहिए, तो वो चीजें ही हम लोगों ने मांग की है। सब ये मैं तीन संस्थाओं से मुख्य रूप से जुड़ा रहा, शेड्यूल कास्ट राइट्स प्रोटेक्शन सोसाइटी, जिसके द्वारा हमने बाबा साहब के साहित्य को, बाबा साहब के मूवमेंट को काफी चलाया, समझो हर साल जयंती मनाते थे, दो तीन महीने में कुछ ना कुछ कार्यक्रम करते थे, और जो भी घटना घटती थी सारे देश में हम वहां जाकर आंदोलन खड़ा करते थे। जो विश्व स्तर पे एक कारमचेड़ू मूवमेंट हुआ था, बहुत सारे दलितों को मार दिया गया था, उनके घर जला दिए गए थे एक जमींदार जातियों ने, उसका हमने ही शुरू किया थी, हम वहां जाकर हम रिपोर्ट लेकर आए थे, और देश भर में इसमें राज्य भर में हमने बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया। पर कारण ये था कि जो जाति व्यवस्था है वो इतनी मतलब गहराई से सब लोगों के भीतर है कि जो हमने जितना काम किया सिर्फ हमें इसलिए पीछे हटा दिया गया कि हम उस यहाँ के स्थानीय नहीं हैं, और यहाँ की जो मुख्य जाति है माला और मादिगा उसके नहीं है, उनकी लाखों की संख्या है, हमारी हजारों की संख्या है, तो इस कारण से क्या है हमको जो नेतृत्व मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। तो खैर हमने वो परवाह नहीं की, हमने ये सोचा कि आंदोलन चलना चाहिए किसी भी रूप में, बाबा साहब का मूवमेंट चलना चाहिए, बाबा साहब ने जो जो उद्देश्य है वो चलना चाहिए, तो हम कार्यकर्ता के रूप में ही काम करते रहे, और लगभग हमने 2004 तक उस संस्था में काम किया। उसके साथ साथ बाबा साहब के दास साहब के साथ जुड़कर समता सैनिक आंदोलन हमने 1978 से शुरू कर दिया था। नागपुर में कई अधिवेशन किए, और नागपुर के पास 5-6 किलोमीटर दूर वहाँ पर एक 3 एकड़ जमीन लेकर दास साहब ने ट्रेनिंग सेंटर चलवाया वहाँ पे, तो हम एक हफ्ता वहाँ ट्रेनिंग करते रहे, कराते रहे। उसके बाद फिर हमने उस समता सैनिक दल के बैनर के तले बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया हैदराबाद में, जो आरएसएस वर्ग के लोग भी घबरा गए थे उससे, और बहुत ही संगठित वो आंदोलन था। मैं सर एक चीज जानना चाह रही थी आपसे कि आपने बीच में कहा कि आपने साफ सफाई का काम जिस समुदाय से आप आते हैं उसमें भी किया, कोई ऐसा अनुभव सर जो आपको बहुत अंदर से कचोड़ता हो कि आपने पढ़ते हुए मतलब इस काम में करना कहीं ना कहीं जो एक भेदभाव जो एक नजर आता है वो कोई अनुभव सर आप साझा करना चाहें? भेदभाव तो खैर स्कूल से लेकर कॉलेज में लेके चलता ही रहा समझो, मगर ऐसा कोई मुझे मतलब ऐसा कुछ ऐसा लगा नहीं कि उसके लिए उतना परेशान हुआ जाए, क्योंकि उतना समझ में आ गया था कि इस देश में अगर दलित पैदा होते हैं या अछूत पैदा होते हैं तो ये सारी चीज़ें तो मामूली चीज़ है, क्योंकि बाबा साहब को जब पढ़ लिया था या और बहुत सारे लोगों को पढ़ने के बाद ये पता चला था कि हम पहले नहीं है जो अछूतपन के शिकार हैं, हमारे बाप दादा ने भी या हमारे पूर्वजों ने भी ये सब झेला है और हमसे बदतर तरीके से झेला है, तो हमने भी झेला उस चीज़ को, तो उतनी मतलब हिम्मत आ गई थी, उतनी ताकत आ गई थी कि हम उस चीज़ों को हम उबर पा गए। तो उसमें भी 10 टीचर होते थे, 2 टीचर हमारे उस भेदभाव को ज़्यादा वो करते थे, बाकी 8 टीचर होते थे वो सहायता भी करते थे, तो जिस कारण हमको धैर्य मिलता था, हिम्मत मिलती थी, चलो 2 लोग के वजह से क्या डरे जब 8 लोग हमारे साथ हैं, तो हर जगह बहुमत जो अच्छे लोग थे हमारे साथ जुड़ जाते थे, मतलब ऊंची जाति के लोग, और जो कम लोग होते कम संख्या में जो होते थे जो भेदभाव करते थे या इस तरह का अछूतपन का भेदभाव करते थे या और तरह का अत्याचार करते थे उससे हम लोग निजात पा लेते थे, उनसे निपट लेते थे। समझे जी जी सर, सामाजिक संगठनों में काम करने की प्रेरणा कैसे मिली आपको? यही कि इस समाज में रहते हुए जो घृणा का माहौल था, जो आसपास लोग रहते थे दूसरे समाज के लोग, इवन शेड्यूल कास्ट में भी जो शेड्यूल कास्ट की जो दूसरी जातियां हैं आपस में बिल्कुल ही द्वेष भावना रखते थे, वो उससे कहता था वो छोटा है, ये कहता है वो छोटा है, जिस तरह चूड़ा कहता चमार छोटा है, चमार कहता चूड़ा छोटा है, उसी तरह यहाँ पर भी है समस्या। तो हम समझते थे ये क्या है, पता नहीं इस तरह क्या समस्या है, तो इससे कैसे उभरे, क्योंकि गहराई से तो पता चलता नहीं था, हम यही समझते थे हम महिला ढोते हैं इसलिए हम लोग ही शायद नीचे हैं, हालांकि वो लोग भी महिला ढोते थे, वो लोग भी यही काम करते थे, और जो यहाँ की मादिगा जाति है वो चमार का भी काम करती है और महिला ढोने का भी काम करती है, और जो माला जाति है वो चमार का काम नहीं करती मगर महिला ढोने का काम करती है, और जो यहाँ पर एक क्या अंतर है मतलब जी, आपसे कुछ अंतर है इन दोनों में, माला और मादिका?
जिस तरह चूड़ा और चमार है वहां पर यही है, दोनों में अंतर, एक चमड़े से जुड़ा हुआ है। सामाजिक और सांस्कृतिक संबंध कैसे हैं इनके? जैसे हरियाणा में, मैं हरियाणा से आती हूँ, हम लोग जैसे आसपास देखते हैं रोटी बेटी का संबंध कहीं नहीं है, यहाँ तक कि चमार और जाटों में भी नहीं है। वाल्मीकि और चमार का बहुत प्रोग्रेसिव लोगों को छोड़ दें अगर, जो थोड़ा अम्बेडकर वादी है या आगे बढ़े हुए हैं, उनकी मैं बात नहीं कर रही, वो अपवाद के रूप में है, लेकिन जो जो सीन जो दिखाई देता है, चमार और एक तरह से चूड़ा, दोनों जातियां एक तरह से आमने सामने हैं, चाहे राजनीतिक कारणों से हो या सामाजिक कारणों से हो या रिजर्वेशन के बंटवारे को लेके हो, बहुत सारे डिफरेंसेस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, अब और ज्यादा बढ़े हैं। ठीक ऐसे ही क्या महाराष्ट्र में, सॉरी आंध्रा में, हैदराबाद में माला और मादिगा का संबंध, सामाजिक और सांस्कृतिक संबंध कैसे है? उसी तरह जैसा चूड़ा और चमार का है, यहाँ पर भी एक दूसरे के विरोध में है, राजनीतिक रूप से भी सामाजिक रूप से भी। जो वर्गीकरण का आंदोलन चला था वो मादिगा जाति नहीं चला था यहाँ पे, जो पंजाब में चूड़ा चमार और गैर चमार एबीसीडी एबीसीडी जातियों में जो अलग से आरक्षण चाहिए, आरक्षण के भीतर आरक्षण, अच्छा। जो पंजाब से पंजाब में था वो वहां पर ये दो ही वर्ग थे, चमार और गैर चमार समझो, तो ए और बी जातियां थी वहां पर, जो आरक्षण मिल रहा था वहां पे। बाद में फिर आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ, कर्नाटक में शुरू हुआ, जो मादिगा जाति के लोग थे उन्होंने ये कहा कि माला लोग ज्यादा आगे बढ़ गए हैं, हम पीछे रह गए हैं। हालांकि उतना नहीं था जितना पंजाब और उत्तर प्रदेश में था। उत्तर प्रदेश और पंजाब का ये हालत है, जो 90% लोग जो चमार लोग है वो आगे बढ़े हुए हैं, और बाकी जो अन्य समाज है वो 10% है जो आगे बढ़ने में बाकी। पर यहाँ वैसा नहीं है, यहाँ पर 20-21 का फर्क है। अगर 20-21% माला अगर आगे बढ़े हुए तो सिर्फ 20 ही ये लोग है, समझे, यानी 1% का अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं। फिर भी वो राजनीतिक कारणों से क्या है, वो आंदोलन खड़ा हुआ और काफी उसको हवा दी गई, जो यहाँ की सत्ताधारी पार्टियां थी उन्होंने उसको हवा दी और एक मादिगा जाति को बहुत मतलब नेशनल लेवल तक खींच कर ले गए वो लोग, और सुप्रीम कोर्ट तक गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश को रद्द कर दिया गया, उसके बाद वो जो एबीसीडी था वो खत्म हो गया, और पंजाब हरियाणा का भी ए भी खत्म होने वाला था शायद। बाद में उन्होंने नौकरी में तो नहीं रखा वहाँ, सिर्फ शायद ना इसमें है, क्या कहेंगे, पढ़ाई लिखाई में है वहाँ पर, तो वो सारा भारत से वो एबीसीडी का या वर्गीकरण का खत्म हो गया उसमें। और इसी तरह का जो साफ सफाई करने वाली जाति है, रिल्ली, तोटी, पाकी, पैड़ी, ये चार जातियां वहां पर है आंध्र में। तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश जो नया राज्य बना है अभी, जो पहले आंध्र प्रदेश संयुक्त प्रदेश था वो, अब अलग से आंध्र प्रदेश फिर से अलग हो गया, वो पहले मद्रास में था वो 1956 में, फिर वो हैदराबाद से जुड़ा था वो 1956 के पहले तक, वो आंध्र जो है वो मद्रास राज्य में था। तो वहाँ के लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ज्यादा मिशनरी स्कूलों के और मिशनरी मिशन के वजह से क्या है वो काफी आगे बढ़े थे, तो तेलंगाना में भी वही लोग ज्यादा नौकरियों में आ गए, IAS IPS या बड़े बड़े अधिकारी बने, तो यहाँ पर फिर वो अलग हो गया। तो जो रेली, तोटी, पाकी, पैड़ी चार जातियाँ वो सफाई का काम करती हैं, और यहाँ पर क्या है माला, वहाँ रेली, तोटी, पैड़ी, पाकी यहाँ नहीं है तेलंगाना में, वो यहाँ पर मादिगा भी है और मेहतर भी है, मेहतर तो बहुत कम संख्या में, मादिगा ज्यादा करते हैं, जो ड्रेनेज में जो मेल होल में काम करते हैं वो मादिगा के लोग करते हैं, जो मेहतर लोग हैं, जो चूड़ा है या वाल्मीकि लोग है वो ये जो घरों में ये होते हैं ना उनके पैखाने वो साफ करते हैं, और जो सरकारी पैखाने होते हैं वो साफ करते हैं, या दफ्तरों में जो कोई सरकारी दफ्तरों में जो पैखाने वो साफ करते हैं, और सड़क का झाड़ने का काम और ये जो मेन होल का काम वो मादिगा जाति करती है, और कुछ प्रतिशत माला भी करते हैं। और यहाँ पर जो वाल्मीकि शब्द है वो यहाँ पर एक बोया जाति है जिसको मछुआरा कहते हैं, वो वाल्मीकि जाति यहाँ पर उसको कहते हैं, जो बोया है, और महाराष्ट्र में कोली है। वर्ग किसमें आती है सर, एसटी में या एससी में? वो एक जगह एसटी में आती है, एक जगह ओबीसी में आती है, जो वाल्मीकि जाति ओबीसी में जो शहर में है वो ओबीसी में आते हैं, और एक ट्राइबल एरिया है वहां पर, वो कर्नूल की साइड वो उसमें आते हैं, एजेंसी एरिया कहते हैं उसको, वो ट्राइब में आते हैं वाल्मीकि, और वो कोई जी। और कोली जो है महाराष्ट्र में वो भी मछुआरे है, वो भी वाल्मीकि लिखते हैं अपने आप को, और जो कर्नाटक में जो है वो मछुआरे हैं वो भी अपने आप को वाल्मीकि लिखते हैं, और वो बड़ी संख्या में है, और जो सारा फंड वाल्मीकि नाम से जयंती के या सारी सुविधाएं के जो भी मिलती है वाल्मीकि नाम, सारा उन्हीं को मिलता है। जो चूड़ा जाती है जो अपने आप को वाल्मीकि कहती है उसको नहीं मिलता, क्योंकि रजिस्टर्ड नाम उसका मेहतर है यहाँ पे। हालांकि हर मोहल्ले में वाल्मीकि मंदिर है, पूजा होती है, सब कुछ करते हैं,
जयंतिया मनते हैं, मगर उसको रिकग्निशन नहीं है, मान्यता नहीं है, मेहतर के नाम से ही मान्यता है उसको, तो इसलिए उसको वो सुविधाएं नहीं मिलती है जो वाल्मीकि समुदाय को यहाँ पर मिलती है। तो वाल्मीकि सिर्फ पंजाब, हरियाणा और थोड़ा बहुत उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और बॉर्डर राजस्थान, ये इन चीज़ों में क्या है, वाल्मीकि शब्द जुड़ा है, बाकी सभी तो अभी तो चूड़ा, भंगी, मेहतर या अन्य अन्य नामों से अभी भी जाना जाता है। जी जी जी। और मुसलमान तो... में भी हमारे यहाँ 5 लाख लोग जो इस कौम से मुसलमान बन गए हैं वो अभी भी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, हैदराबाद में रहते हैं 5 लाख लोग, और वो सफाई का ही काम करते हैं, कन्वर्टेड है, इनको कन्वर्टेड है, उनको अभी भी मुसलमान मेहतर कहते हैं। जी जी। सर एक सवाल मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि एक तरह से सौंदर्यकरण की तरफ भी बड़ा जा सकता है कि वाल्मीकि शब्द प्रयोग करना शुरू किया, अपने आप को एक तरह से ठीक शब्द संबोधित हो, लोग उसको ठीक तरह से जाने, वाल्मीकि शब्द का चलन ज्यादा बढ़ा है, लेकिन जो इसका पेशा है, पेशेगत वाल्मीकि शब्द तो नहीं नजर आता, ये तो अलग अलग है, मतलब जैसे आप ही बता रहे हैं कि जो दूसरी जाति है वो तो एसटी में, ओबीसी में आ रही है, कर्नाटका में भी, केरला में भी, ये दूसरी जो वाल्मीकि जाति कई जगह पे तो ओबीसी में, सीधा ओबीसी में है, लेकिन जो पेशेगत अगर हम कहें तो जो साफ सफाई का काम करती है वो कई सारी जातियां हैं मिला के, जिसको हम एक तरह से स्वच्छकार समाज संबोधित कर सकते हैं। तो सर ये मेरा सवाल सीधा सर आपसे ऐसे था कि वाल्मीकि शब्द इन सफाई पेशा जातियों को कहा जाना चाहिए या नहीं? नहीं कहना चाहिए, कहना चाहिए इनको, इसना क्योंकि उससे कोई संबंध नहीं है ना हमारा, ये तो हम पे थोपा गया है, समझो पंजाब में थोपा गया है, जब हमारे लोग सिख बन रहे थे, क्रिश्चियन बन रहे थे या अन्य धर्मों में जा रहे थे, तो इनको हिंदुओं को ये लगा कि हमारा, अगर ये लोग दूसरे धर्मों में चले गए तो हमारा पेशा, ये पेशा कौन करेगा, तो उनके डर के वजह से क्या है, अमीचंद वाल्मीकि जो, अमीचंद शर्मा जो थे, उन्होंने एक षड्यंत्र से किताब लिखी और उसके द्वारा क्या है, हमारे लोगों को बरगलाया गया, बाद में फिर पंजाब से जो वाल्मीकि शब्द चला फैलते फैलते सारे भारत में फैल गया, समझे, तो लोग ये समझते हैं, खासकर पढ़े लिखे लोग ये समझते हैं, अगर हम चूड़ा है भंगी के बजाय वाल्मीकि लिखेंगे तो इज्जत मिलेगी, तो मैं उनको ये उदाहरण देता हूँ, अगर मैंने चोरी की है, जय किशन के नाम से मैंने चोरी की है और मैं बाद में जाके कोई और नाम रख लूँ तो क्या मेरा, मुझे इज्जत मिलेगी क्या? क्योंकि हमारी बेइज्जती या इज्जत जो भी है पेशे से, हमारे इस पेशे को हम छोड़ देंगे तो थोड़ी बहुत इज्जत मिलेगी, उतनी तो नहीं मिलेगी, थोड़ी बहुत तो मिलेगी, अगर हम सारे लोग पेशा छोड़ देंगे तो वो सारी इज्जत मिलेगी हमको, तो पेशा ही मुख्य है ना हमारे लिए, मूल तो उद्देश्य यही है ना कि जो पेशा है उसको छोड़ दिया जाना चाहिए। जी जी। और मेहतर जो शब्द है, मेहतर जो शब्द है वो टर्की शब्द है, समझे, उसमें ये है कि जिसका हलाल खोर है, हमारा एक जाति बिहार में हलाल खोर है, यानी हलाल का खाने वाला, तो मेहतर का शब्द, शाब्दिक अर्थ यही है कि जो हलाल का खाता है, मेहनत का खाता है, उसको मेहतर कहा जाता है, तो फारसी में भी उसका अर्थ यही है, अरबी में वही है, तुर्की में भी यही है। जी जी। एक तुर्की में मेहतर बैंड है, मिलिट्री में मेहतर बैंड है जी। बहुत बड़ा बैंड है जो इंटरनेशनल फेमस है जी। रहा भंगी शब्द, बौद्ध साहित्य में भंगी बुद्ध को कहा जाता है, यानी जिसने राग द्वेष मोह को भंग कर दिया, सारे इच्छाओं को भंग कर दिया, सारे मतलब जो विकारों को भंग कर दिया, उसको भंगी कहा जाता है, मगर बाद में क्या है, अभी सत्यनारायण गोयनका है, उन्होंने उसको क्लियर भी किया है कि जब वो भारत आए थे तो उनको ये कहा जाता था कि तुम बौद्ध धर्म क्यों क्यों फैलाते हो, उसने कहा क्यों, क्या बुराई है, तो उसने कहा ये तो भंगियों का धर्म है, यहाँ के लोगों ने कहा, उसकी जाति के लोगों ने जो वैश्य जाति से थे, वो उन्होंने कहा ये तो भंगियों का धर्म, इसे क्यों तुम फैलाते हो, तो यानी भंगी शब्द क्या है, बौद्ध, जिस तरह बाबा साहब ने कहा कि हम बौद्ध थे और हारने के बाद हम लोग क्या है, ये अछूत पेशा हमको दिया गया या हमको गुलाम बनाया गया, तो हम बौद्ध थे, तो भंगी जो शब्द था वो टूट फूट कर भंगी एक कास्ट से जुड़ गया या बुरे नाम से जुड़ गया, एक ध्यान अवस्था होती है, विपश्यना नाम की एक ध्यान अवस्था है, उसमें भंग अवस्था आती है, यानी बिल्कुल आखिरी स्टेज होती है भंग, यानी सारी चीज़ों को भंग कर देता है वो, उससे ही भगवान बना, उससे ही फिर भंगी बना, उससे ही बुद्ध बना, बहुत सारे शब्द वहां से निकले बौद्ध साहित्य में, त्रिपिटक साहित्य में, तो इस तरह हमारे नाम क्या है बदलते रहते हैं। सर मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि वाल्मीकि समाज या यूं कहें जो स्वच्छकार समाज है, आप हरियाणा की पृष्ठभूमि भी आपने देखी है जी, हम आप हैदराबाद तक पहुंचे हैं जी, तो इन समय में आप 70s की बात कर रहे हैं और अब 2020 चल रहा है,
इस समय के दौरान सर स्वच्छकार समाज की जातियों का शैक्षणिक बदलाव क्या नजर आता है आपको, क्योंकि आप तो शिक्षा जगत से भी जुड़े रहे हैं और सामाजिक आंदोलनों से भी जुड़े रहे हैं, क्या परिवर्तन आपको नजर आता है वाल्मीकि समाज में, शिक्षा का स्तर कितना बढ़ा है? शिक्षा का स्तर तो काफी बढ़ा है, अभी काफी लोग पढ़ने लगे, हर जिसके पास में तो आर्थिक स्थिति अच्छी सभी लोग पढ़ाने लग गए, तो पहले आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी इसलिए लोग नहीं पढ़ाते थे, तो शिक्षा का स्तर तो बढ़ा है, काफी लोग टीचिंग में भी आ गए हैं, डॉक्टर पेशे में भी आ गए, इंजीनियरिंग पेशे में भी आ गए हैं, कुछ लोग क्लर्क भी बन गए, ऑफिसर भी बन गए हैं, कुछ IAS IPS भी बन गए हैं, पर समस्या वो है कि वो लोग फिर इस समाज से थोड़ा हट जाते हैं, कारण ये है कि वो तो समाज उनको स्वीकार नहीं करता, उसको सताया जाता है, फिर वो अपने आप को टूटा हुआ महसूस करता है, वो कहीं और चला जाता है। तो 1980 में हमने ऐसे ही समाज के लोगों जो पढ़े लिखे थे हैदराबाद में या आसपास के लोग, उनको जोड़ा गया था, तो वाल्मीकि समाज प्रगति संघ के नाम से हमने एक स्टार्ट मतलब एक शुरू किया था, तो सारे पढ़े लिखे जितने यहाँ वहाँ रहते थे सबको जोड़ा गया था, उसमें डॉक्टर इंजीनियर टीचर तो बहुत सारे लोग थे। तो बाद में फिर मैं वारंगल चला गया, वहाँ जाने के बाद 4 साल फिर वहाँ रहा, उसके बाद वो संघ टूट गया, चलाने वाला नहीं था कोई भी। तो एक देखिए जो सिर्फ इसी समाज के लिए एक आंदोलन चलाया था हमने 2006 में, अगस्त 2006 में मेहतर समाज महिला सम्मेलन किया था हमने, 2006 में मेहतर समाज महिला सम्मेलन किया था, और हम लोग पूरा मतलब उसको क्या कहते हैं उसका प्रबंधन करके हम लोग क्या है सुनने के जहाँ सुनते हैं जहाँ ऑडियंस होता है वहाँ बैठ गए थे, और स्टेज से लेके मैंने पूरा एंकरिंग से लेके सारा महिलाओं ने किया था, और इतना अच्छा किया था, हमने ये सिद्ध करना चाहा था कि हमारी महिलाएं पीछे नहीं है, हमारी महिलाएं पीछे नहीं है, और सबको पुरुषों को बताया गया कि तुमसे ज्यादा वो लोग आगे हैं, और उन्हें सिद्ध कर दिया, एक से एक अच्छा बोली, एक से एक समस्याओं पर बोली, उसका समाधान भी बोली, और बिल्कुल संगठित और अनुशासन से वो संगठन चला और सारा दिन चला समझो, तो उसमें काफी सारी महिलाएं हमारी शिक्षित और अशिक्षित महिलाएं, अशिक्षित महिलाओं ने भी इतना अच्छा बोला कि पूछो मत। वो 2006 में वो आंदोलन किया था मतलब ऑर्गेनाइज किया था, उसके बाद हमने 2006 में ही मेहतर समाज वैवाहिक सम्मेलन किया, 2006 में एक बार किया, 2009 में एक बार किया, जो आपस में जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको ठीक से वर नहीं मिलता, वधु नहीं मिलती, तो उसने हमने वो भी किया था, सिर्फ मेहतर समाज के नाम से किया हमने ये पूरा आंदोलन, मेहतर समाज रखते थे हम, कोई संगठन नहीं था इसके पीछे, सिर्फ हम लोग होते जो हमारी टीम होती थी, तो मेहतर समाज रखते थे, उसके आगे वैवाहिक सम्मेलन, सांस्कृतिक सम्मेलन, महिला सम्मेलन, इस तरह रखते थे। और फिर 2007 में हमने मेहतर समाज वार्षिक सम्मेलन की कड़ी शुरू की। मेहतर समाज वार्षिक सम्मेलन में ये होता था, पहला सेशन हम सवेरे 9 से लेकर 1 बजे तक एक सेशन होता जो सामाजिक समस्याओं पर होता था, और 2 बजे के बाद फिर हम लोग जो बच्चे हमारे 10वीं 12वीं डिग्री इंटर MA MCOM PG जो भी पास होते हैं उनको सम्मान पत्र के साथ 500 रुपये दिया जाता था, उनको 500 रुपये और सम्मान पत्र, और उस सम्मेलन में सिर्फ इसी समाज के लोग होते थे, स्टेज के ऊपर भी स्टेज के नीचे भी, कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई आदमी नहीं होता था, दूसरी जाति का, दूसरे धर्म का या कुछ दूसरे संप्रदाय का, सिर्फ इसी जाति के लोग होते थे उसमें। फिर जो भी मतलब सुदर्शन को मानने वाले हैं या नवल महाराज को मानने वाले हैं, जो भी मतलब वहां पर रहने वाले हैं हैदराबाद में, सिर्फ चूड़ा ही नहीं, चूड़ा के अलावा भी यहाँ पे बहुत सारे धानुक है, हेला है, डोम है, डमार है, ये सारी जातियां भी यहाँ रहती हैं, उनको भी हमने जोड़ा, और मुसलमान मेहतरों को भी जोड़ा यहाँ पे। 2007 से आज तक चल रहा है वो प्रोग्राम, जुलाई में हम लोग करते हैं, हर साल की जुलाई में करते हैं, क्यों करते हैं, जो दिल्ली में जो आंदोलन चला था सफाई कर्मचारियों को, जुलाई में ही हुआ था, और 31 जुलाई को एक हमारा आदमी मारा गया था, जो भगवान दास साहब ने फिर उसको राष्ट्रीय स्तर पे सफाई कर्मचारी दिवस के नाम पे शुरू किया था। तो 2007 से आज तक कंटिन्यू चल रहा है, 500 रुपये और सम्मान पत्र देते हैं बच्चों को, उसमें 50 आ जाते हैं, 60 आ जाते हैं, कभी कभी 70 बच्चे आ जाते हैं। ये सर आप शायद पंचकुया मंदिर में जो मारा गया था। जी 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 सर, मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपसे जानना चाह रही हूँ, आपने जिक्र किया इसलिए मुझे एकदम ध्यान आया कि जो सफाई कर्मचारी दिवस जो मनाया जाता है वो जो घटना थी सर क्या थी जिसकी वजह से सफाई कर्मचारी दिवस मनाया जाने लगा? देखिये वो 57 में वो एक आंदोलन चला था, जो हमारे जो आज की स्थिति है वही स्थिति उस समय भी थी, यानी ठेका प्रथा थी, हमारे लोगों को ठीक से सुविधाएं नहीं दी जाती थी, तनख्वाह नहीं दी जाती थी। आपसे तब भी जानना चाह रही थी कि आप उस वक्त की बात कर रहे हैं जब तो हम तो स्टूडेंट भी नहीं थे, हम तो पैदा ही हुए थे सर,
1970 के आसपास, 1970 के आसपास, और अब 2020 चल रहा है। मेरा जब बीच में सर आपसे दोबारा पंचकुलिया से पहले मेरा सवाल जो था वो यही था कि उस वक्त जो परिस्थितियां थी वो तो बहुत एकदम आजाद भारत के तुरंत बाद ही था। 47 में अगर हम आजाद होते हैं तो 70 में आप एक्टिविज्म में आ जाते हैं, तो ज्यादा कोई बड़ा अंतर नहीं है। लेकिन अब 2020 चल रहा है जहाँ टेक्नोलॉजी का भी युग है, जहाँ तमाम मैंने शैक्षिक स्तर के बारे में आपसे जानने की कोशिश की थी कि वाल्मीकि समाज अब कितना आगे बढ़ा है, इन दोनों में कितना अंतर नजर आ रहा है, बल्कि इवन स्टेट में भी जो हरियाणा जो हरियाणा में शैक्षिक स्तर है वाल्मीकि समाज का, हैदराबाद का शैक्षिक स्तर कैसा है, और इन दिनों में अंतर, क्योंकि आपने तो दोनों ही देखे हैं, अब के दौर को भी आप देख रहे हैं। जैसे दिल्ली की अगर मैं बात करूं, कल ही हालांकि कोर्ट का आदेश था, कोरोना के टाइम में ही पीछे हटा दिया गया कॉलोनी को, पूरा वाल्मीकि बस्ती को, और भी बहुत सारी चीजें घटती रहती हैं ऐसी। एक आज का दौर और एक उस वक्त का दौर जिसमें जो पंचकुलिया में जब वो लड़का मारा जाता है सफाई कर्मी, और उसके नाम से आज तक भी मनाया जा रहा है सफाई कर्मचारी दिवस, इन इन इनमें क्या अंतर मैं और तमाम लोग जो देख रहे हैं, आप अनुभवी व्यक्ति रहे हैं, सामाजिक आंदोलनों में भागीदारी इतनी अच्छी तरीके से रही है आपकी, तो वाल्मीकि समाज में किस तरीके से परिवर्तन दिखाई दे रहा है सिचुएशन में? और दूसरा दिवस वाला पंचकुलिया रोड पे जो घटा था सर, जिसके जो भूप सिंह के जी भूप सिंह मृत्यु हुई थी, वो कोई सफाई कर्मचारी नहीं था, वो किसी रिश्तेदार से मिलने आया था, वो कोई गांव से आया था, घर में ही बैठा, तो घर में ही गोली लग गई थी उसको, तो आंदोलन में भी नहीं था वो लड़का, वो घर में ही बैठे बैठे गोली लग गई, वो मर गया समझो। तो एक आदमी क्या मतलब, मैं पूरी बातचीत जानना चाह रही हूँ, दर्शक भी जानना चाहेंगे, क्योंकि ये आप लोगों के दौर की है। भूप सिंह की जब डेथ हुई, गोली लगी, तो क्यों लगी थी? कुछ चल रहा था उस वक्त आंदोलन? हाँ, दो दिन तीन दिन से आंदोलन चल रहा था वहाँ पे, तीन दिन से आंदोलन चल रहा था बाहर से। ये जो सफाई कर्मचारी जो समस्याएं थी, वही उस समय जो ठेका प्रथा थी, तनख्वाहें कम थी, सुविधाएं कम थी, उन चीजों की मांग थी। हड़ताल पे थे, आंदोलनरत थे अपनी जी, तीन दिन से थे वो, और सारा दिल्ली ठप हो गया था, सारा कूड़ा करकट वहां जमा कर दिया था उन्होंने। ये कब की बात है सर? 57 में थी, जुलाई 57। जी जी जी। फिर सर? तो फिर वो बाहर से नेहरू ने क्या, नेहरू सरकार थी उस समय, उन्होंने कहा कि बाहर से लोगों को लाकर ये सब साफ सफाई किया जाए। फिर उनमें दिल्ली वालों में झगड़ा भी हुआ, बाहर से जो हमारे लोग लाए गए उनके साथ झगड़ा भी हुआ, फिर बाद में किसी तरह से उनको रोका गया, फिर वो गोलीकांड तक बात आ गई, लाठीचार्ज हुआ तो एक आदमी मारा गया, तो इस तरह वो फिर वो खत्म हो गया समझो वहाँ पे। तो मतलब वो लड़का तो कैसे आया हुआ था मिलने, लेकिन मारा किसी से मिलने आया था, वो मारा गया वैसे, वो कोई आंदोलन के लिए नहीं आया था, ना वो सफाई कर्मचारी था, वो किसी गांव से आया था, किसी रिश्तेदार के पास आया था, वो तो घर में ही बैठा हुआ था, वो तो घर में ही गोली जी लग गई उसको, तो वहीं मर गया वो मुझे नहीं मालूम ये सारी चीजें, बात दास साहब ने लिखी हुई जो उनकी किताब है उसी में लिखा हुआ, क्योंकि हम तो उस समय लगातार करते रहे हैं। ओपी शुक्ला जी लगातार इस पे बने रहते हैं, काम करते हैं, अशोक ज्ञानी जी आपकी बातचीत को लगातार सुन रहे हैं, और जितने तमाम उस वक्त के लोग हैं, एसपी राय साहब हैं, शुक्ला जी के साथ पूरी टीम थी एक तरह से, ये लोग मनाते हैं हर साल दिल्ली में, बहुत बड़े लेवल पे सफाई कर्मचारी दिवस मनाया जाता है, मजदूर दिवस के नाम, मजदूर दिवस के अलावा ये किताब है उनकी किताब। हाँ जी जी, सफाई कर्मचारी दिवस, बिल्कुल जी जी, भगवान दास जी ने भी इसके ऊपर काफी विस्तार से लिखा, उन्हीं ने ज्यादा लिखा, उन्हीं के द्वारा ही हमने बहुत सारी चीजें मालूम की है। लेखन के अलावा जो उस दौर के जो लोग, मतलब वो ठीक है भगवान दास जी के ऊपर मतलब किसी तरह का कोई टिप्पणी नहीं है, वो जाहिर सी बात है हमारे उस समय के उस दौर के बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल थे, और सबसे बड़ी बात हमारे लिए ये थी कि भगवान दास जी ने बाबा साहब अम्बेडकर को भी अपनी आंखों से देखा था, मैंने जितना उनको मैं सुना है उनके अनुभवों को देखा है। लेकिन ये जो सफाई मजदूर दिवस वाला जो था, जो पूरी एक टीम थी भूप सिंह के नाम से जो सफाई मजदूर दिवस मनाया जाता है, तो मैं यही बस लास्ट सवाल आपसे ये जानना चाह रही थी सर कि आज के दौर में सफाई कर्मचारियों में कुछ बदलाव नजर आता है आपको, जो जो एक तरह से सरकारें की पॉलिसियां बदली, सरकारें बदली, लेकिन वाल्मीकि समाज थोड़ा सा आगे बढ़ा है, हम ये नहीं कह सकते कि नहीं बढ़ा, लेकिन क्या अंतर बुनियादी रूप से आपको दिखाई दे रहा है? बुनियादी अंतर देखिए, आज का हालात इतने खराब है, बद से बदतर है, और सबसे ज्यादा इस समाज के हालत और भी खराब हो गए और होने वाले हैं,
क्योंकि सारा आरक्षण खत्म हो गया है, अभी कोई आरक्षण नहीं बचा है जो 1991 से तो नरसिम्हा राव की सरकार से सारा जो निजीकरण हो गया, प्राइवेट लोगों के हाथों में सारा चीज चले गई। तो हमारा पेशा सबसे पहले निजीकरण के हाथों में गया था, जो सुलभ इंटरनेशनल है या उस तरह की बहुत सारी संस्थाएं हैं, सबसे पहले इस पेशे का व्यवसायीकरण किया गया। और जब ये व्यवसाय बन गया तो हमारे हाथों से निकल गया, तो हम उनके बंधक बन गए, हम उनके बंधवा मजदूर बन गए जो ठेके पे ये चलाते हैं। तो हमारी हालत तो बिल्कुल ही बदतर है, जो थोड़ी बहुत पढ़ लिख कर हम लोग जो ऊपर बढ़े थे, आप जैसे हम लोग जैसे यहाँ तक पहुंचे थे, हमारे बच्चों को कोई आगे भविष्य नहीं है, उनको कोई नौकरी नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, और प्राइवेट में कोई देगा नहीं। तो आपकी जो हालत है बद से बदतर होने वाली है। आज के दौर में क्या है, कोरोना की वजह से 50 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं, और जो जातियाँ इस पेशे से नहीं जुड़ी थी, हमारे एक लंबाड़ा जाति है जो राजस्थान से माइग्रेटेड है, तो वो पहले ओबीसी में थी, बाद में ट्राइबल में आ गई, और सारा सफाई का काम आजकल वही कर रही है यहाँ। तो इस तरह क्या है, दूसरी जातियाँ भी इस पेशे में आ गई, तो ये पेशा करने वाली की जातियों की संख्या बढ़ते 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 बढ़ती चली गई, उनकी मजदूरी कम हो गई, तो उनको पढ़ाई लिखाई बिल्कुल उनके बस की बात नहीं रही, क्योंकि शिक्षा का सारा व्यवसायीकरण हो गया, अस्पतालों का सारा व्यवसायीकरण हो गया। यानी आपके लिए इस सरकार ने, इस व्यवस्था ने कुछ नहीं छोड़ा। तो आगे आपको क्या है, ना आपने आपके लिए जंगल छोड़े उन्होंने, ना आपके लिए उन्होंने मैदान छोड़े, ना आपके लिए पानी छोड़ा, ना पहाड़ छोड़े, कहीं पर भी जगह नहीं छोड़ी। पहले हम लोग क्या है, लड़ झगड़ के युद्ध करके जंगल में भाग जाते थे, और वहां पर जो आज ट्राइबल है वो हम ही लोग थे, मगर आज तो आपके लिए वो भी जगह नहीं है, क्योंकि सारा स्पेशल इकोनॉमिक जेड के नाम से उन्होंने क्या है, बड़े बड़े कारपोरेट घरानों को सारा भारत गिरवी रख दिया है, और उसके पीछे यूरोपियन कंट्री के बड़े बड़े लोग हैं। तो आपकी हालत, आपके समाज की हालत बस से बदतर हो गई है। तो आप कितना भी शिक्षित हो, कोई कुछ मिलने वाला नहीं है आपको, अगर समय पे रहते, जागृत नहीं हुए। और इसलिए हमने जो मेहतर समाज या शेड्यूल कास्ट राइट सोसाइटी के नाम से जो हमने चेंज किया, गरीबी मुक्ति संघ का नाम रखा, इसलिए किया कि हम अकेले अपनी जाति के नाम पे या सारी शेड्यूल कास्ट जाति के नाम पे ये आंदोलन नहीं खड़ा कर सकते, और ना हम हासिल कर सकते हैं, क्योंकि एक गरीब के खिलाफ दूसरे गरीब जातियों को खड़ा कर देते हैं ये लोग। साम दाम दंड भेद जो है इनका वैदिक युग से चला आ रहा है, उसमें तो उसी का फायदा आज लोग उठाएंगे। तो आज के समाज के, आज के बच्चों का हमारा यही है कि उस संघर्ष के लिए तैयार रहो। सर हमारे साथ एडवोकेट, गरीबी बहुत बढ़ गई, हमारे साथ एडवोकेट गौरी जुड़ी हुई है जो लगातार। गौरी जी, जय भीम। आप कुछ कहना चाहेंगी, तमाम पूरी चर्चा को आप सुन रही थी लगातार, और फिर हम कुछ सवालों को ले लेंगे सर के साथ, क्योंकि सर को भी पसना के लिए जाना है, तो हम सर को जल्दी ही फ्री करेंगे। तो आप क्या कहना चाहेंगी जी? मैं ना हाँ जी, मैं आज जयकिशन भाई का पूरा हिस्ट्री सुन के बहुत दुख दुख महसूस हो रहा है। लग रहा है कि अब हमारे आगे का जो हमारा आने वाला पीढ़ी है, उसका भविष्य का क्या होगा, जब हम अभी से ही अपना हिम्मत इतना तोड़ रहे हैं, और जयकिशन भाई एकदम खड़ी और 100% सही बात बोले कि आने वाला जो हमारा समय है बहुत बदतर होने वाली है। बस हम इतना ही चाहेंगे, अब वो समय आ गया है कि हम अपनी लड़ाई को एकदम बरकरार रखें, और आगे जो होगा देखा जाएगा जी। लेकिन अधिकार को क्यों छोड़े? मैं तो आशावादी हूँ दीदी, मैं तो ये कहूंगी कि हमारी अभी पिछले दिनों बहुत छोटी बच्ची 10वीं क्लास में टॉप किया है, और हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं तक पहुंचे आप लोगों के। बहुत अच्छी बात है। हाँ। पहली पीढ़ी है हम लोगों की, मतलब मैं भी पहली पीढ़ी में ही कह सकती हूँ अपने आप को, लेकिन जो नेक्स्ट जनरेशन है, बदलाव तो है। अगर एक तरह से संसाधनों को छीना है तो ये जो बदलाव आया है हमारे जनरेशन में, जो बदलाव आया है ये तो हम आगे कुछ करेगा ही, उसी में आशावादी रुख अपना रही हूँ कि हम आशावादी हैं, और हमें लगता है बिल्कुल सर की बात से सहमत होते हुए भी प्रोफेसर सर ने जो कहा, लेकिन इसके बावजूद भी मैं ये कहूंगी कि आज का युग टेक्नोलॉजी के मामले में गौरी जी, एक बात मैं कहना चाहता हूँ। जितने भी हमारे कार्यक्रम होते हैं, हम महिलाओं से ही उसका उद्घाटन करवाते हैं जी। नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा ये सुनकर। जितने भी हमारे कार्यक्रम होते हैं महिलाओं से ही हम करते हैं, महिलाओं को पहला सेशन मालूम है। उसका कारण यह मैं बताता हूँ कि हमारा जो समाज था मात्र प्रधान था, इसलिए हमारे यहाँ देवियों की पूजा होती है, मसाणी हो, गुड़गामे वाली हो, पाथरी हो, ये बहुत सारी अन्य प्रदेशों में भी देवियों की पूजा होती है, देवताओं की नहीं होती।
तो जब हमारा मातृ प्रधान था तब तक हम लोग बहुत ही उन्नत थे, सब कुछ था हमारे पास। बाद में हमको हाँ हरा दिया गया, फिर हमको पितृ प्रधान बना दिया गया, और हमारे मतलब हालत बहुत ही खराब कर दी गई कि जो खराब थी। नशे हाँ पानी हाँ जुड़ गए हमारे पुरुषों में, उसके वजह से क्या है 20-25 साल 30 साल में हमारी लड़कियां विधवा हो जाती हैं और उनकी समस्याएं बहुत गंभीर हो जाती है। ओके सर, मैं ना असल में हालांकि मैं चाह रही थी कि कुछ सवाल लेके और चर्चा को विराम दूं, लेकिन आपने जैसे ही हरियाणा की मसाणी और धुतनी और उसका जिक्र किया है, मैं सर आपसे एक बात जरूर जानना चाहूंगी कि ये स्टैंडर्डाइज जो फॉर्म है हमारी, और एक तरफ हमारे लोकल जो देवी देवता हैं जिसको आप मतलब पाखरी वाले कहें या मसाणी कहें धुतनी कहें, मैं तो क्योंकि मैं भी हरियाणा से आती हूँ तो हमें तमाम हमारे जो लोकल देवी देवता हैं उनको ही हमने भी अब मेरी मेरे समय में भी हमने उन्हीं को पूजते हुए देखा है। कोई ऐसा कोई स्टैंडर्ड के जो देवी देवता हैं वो लोग अपनाना शुरू किया जो स्टैंडर्ड के हो चुके हैं, अदरवाइज तो वही सामूहिक खान पान और एक एक वही जाके मैदान में मैदान वाले की पूजा कर देना, ईंट को ऐसे रख के उसको कर देना, ये पे इस पे हालांकि बड़ा सेंसिटिव सवाल है और मेरी चर्चा का विषय जो आज था वो ये नहीं था, लेकिन आपने जिक्र किया इसलिए मेरा लालच आपसे बढ़ रहा है कि ये जो नहीं ये कौशल जी, कौशल जी, कौशल जी, आप एकदम सही बात बोले। आज भी हमारे वाल्मीकि समाज में, आज भी हमारे वाल्मीकि समाज में नॉर्थ बिहार की मैं हूँ, वहाँ आज भी एक जो 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 आज का स्टैंडर्ड पूजा है वो नहीं होता है, जो हमारा पूर्वज जो पिंड का पूजा होता है। हाँ वही वही हो रहा है आज हमारे यहाँ तो लोकल है। आज भी हाँ। आज भी हमारे यहाँ जब शादी होती है लड़का लड़की की तो गठजोड़े के जात मथा उस पे पाथरी वाले की जाते हैं बस। हाँ हाँ या घर में ही जो भी बनाते हैं वो हाथ का लेकर चिमटा करके उसी में पूजा हो जाती है बस, एकदम एकदम। ये भी है साथ ही साथ कि उसके साथ जो पूजा होती है और वो जो दारू और उसका कढ़ाई के साथ हलवे के साथ जो बनती है वो शराब का भी फिर एक कारण बनता है कि वो आखिर पीते तो आदमी है ना, उसको पीते हैं फिर ज्यादा पीते हैं फिर और ज्यादा पी जाते हैं तो वो लड़ाई झगड़े का भी कारण बनती है। सर इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए ये सारी चीजें जितनी भी है ना, ये ऐतिहासिक महिलाएं थी, पर इनका इतिहास क्या है उन्होंने मतलब खत्म कर दिया। शुरू में विश्वास से अंधविश्वास होता है, पहले विश्वास होता है, जो पहली पीढ़ी होती है जो जानती है इतिहास को विश्वास करती है, उसके बाद उनके संतान जो होती है वो इतिहास खत्म हो जाता तो अंधविश्वास चल पड़ता है। उदाहरण देता हूँ, मेरठ की महावीरी, महावीरी ही है जी, जिसने 1857 का जो युद्ध हुआ था और हमारे जो माता दीन भंगी थे उनको उनके कारण ये जो आंदोलन शुरू हुआ था उनको फिर मारा गया, उनको फांसी दी गई, मंगल पांडे को बाद में दी गई, और उसका कारण ये था कि इस समाज के लोगों ने ही इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करवाया है तो इसके समाज के पूर्व लोगों को मारो। तो वहां पे जितना ये वाल्मीकि समाज कहो या चूड़ा समाज बोलो या भंगी समाज बोलो, जब उनको मारने लग गए तो महावीरी थी उसने 30 महिलाओं को लेकर गंडा से लेके उनसे युद्ध किया, इनसे अंग्रेजों से, अगर उसको भी हम देवी मान ले सकते हैं तो उसी तरह ये जितनी भी देवियों के नाम है चाहे वो असली है नकली है नाम पता नहीं, उनका इतिहास ही खत्म हो गया। तो हम इसलिए उनको पूछते थे कि उन्होंने हमारे समाज की लड़ाई लड़ी थी, जो हमारे अत्याचारी लोग थे हम पर अत्याचार कर उनके खिलाफ लड़ी थी। हमारे यहाँ तेलंगाना में हैदराबाद में सम्मा का सारा का माँ बेटी थी दो, उन लोगों ने जमींदारों के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन चला, आज उनकी पूजा मसाणी गुड़गांव वाली पाथरे वाली की तरह होती है यहाँ पर। तो जो इतिहास बच गया उनके बारे में पता है, पर जिनके बारे में इतिहास खत्म हो गया उसके बारे में हमको पता नहीं। अब हम वो अंधविश्वास में चला गया, अब क्या कर सकते हैं उसको, नहीं सही कोई लिख नहीं सकते। सही 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 तो आज भी हमारी जो संघर्ष करने वाली आज भी हमारी महिलाएं आगे रहती हैं। अब महाराष्ट्र में जाइए, कर्नाटक में जाइए, महिला सबसे आगे है आंदोलन, अंबेडकर आंदोलन में अगर 90 महिलाएं तो 10 पुरुष मिलेंगे आपको। बाकी प्रदेशों में अभी महिलाएं महिलाओं को मतलब उतना वो नहीं लाया गया आंदोलन में जितना महाराष्ट्र और कर्नाटक में आ गया है, या साउथ में भी कुछ जगह आ गया, आंध्र प्रदेश है जैसा और अपना केरल है जैसा, तमिलनाडु है जैसा, वहां पर भी जो शेड्यूल कास्ट महिलाएं हैं, शेड्यूल ट्राइब महिलाएं वो बहुत आगे आंदोलन में। बाकी उत्तर भारत में अभी नहीं आया वो आंदोलन। महावीर जी का इतिहास कहीं मिल सकता है पढ़ने के लिए? दो तीन लाइन में ही मिलता है, यही जो मैंने बताया कि वो अंग्रेजों ने जब हमारे समाज को मारना शुरू किया, मतलब कत्लेआम शुरू किया, तो उस महिला ने क्या किया, वैसे ही मरना वैसे ही मरना है, तो गंडासा होता ना वो, हाँ जी हाँ, तो गंडासा लिया और 30 औरतों का वैसे ही मरना वैसे गंडासा उठाओ, और फिर उन्होंने क्या है 100 अंग्रेजों को मारा उन्होंने,
ये देखा, ये महिला कौन है जो इतना बड़ा कांड कर दिया उसने, तो चारों तरफ से घेर के उसको बंदूकों से उसको भून दिया गया उसने, तो तीन चार लाइन जी। मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। हाँ दीदी बोलिए। मैं ये किशन भाई से एक बात मुझे याद आया कि आज भी नॉर्थ बिहार में, नॉर्थ बिहार में आज भी आज का जो नया न्यू मॉडर्न देवी देवता है शंकर पार्वती, उसकी पूजा नहीं होती है दलित के घर में। वो हम सुनते थे कि एक योद्धा थे राजा सलेर, बच्चू बखरिया, मसानी, ये सबकी पूजा सबके घर में होता है, उसके नाम से पिंड है। अब वो और किसी घर में नहीं है, वो दलित के घर में, वाल्मीकि के घर में है जी। हमको लगता है ये लोग जो है ना एक योद्धा होंगे जो उसको देवी मान करके, जैसे किशन भाई बोले यही होगा यहाँ इधर भी। सर कुछ कहना चाहते हैं? मैं भंगी हूँ को हमने तेलुगु में अनुवाद किया गया, फ्री बांटा है उसको। जी। तो उसमें हमने टाइटल दिया है नेनु अंटर आने वानी, यानी मैं अछूत हूँ। तो तमिल तमिल भाषा और कन्नड़ भाषा में भी इसी टाइटल से बहुत पहले उसका अनुवाद होके ये किताब बढ़ चुकी है और बहुत ही प्रसिद्ध हुई है किताब, नेनु अंटर आने वानी यानी मैं अछूत हूँ। ऐसी कई किताबों को, भगवान दास साहब की किताबों को हमने तेलुगु में अनुवाद करके यहाँ पर बांटा है। सर कुछ सवालों को लेते हैं फिर विराम देंगे। ईआर अजय कुमार जी, आपकी लगातार चर्चा को सुन रहे थे, बलवान सिंह जी का धन्यवाद आप सबका, महेंद्र मीणा सर का बहुत बहुत आभार है, आप लगातार चर्चा में बने हुए हैं, पदम सिंह पवार जी लगातार सुन रहे हैं, विनोद वर्मा जी जय भीम बोलते हैं सर आपको, जय भीम विनोद, चिरंजी लाल आर्य जी जय भीम बोल रहे हैं, जय भीम चिरंजी, सभी को जय भीम। दिलीप भारती जी कहते हैं कि मैम आपसे संपर्क करने की कोशिश की कई बार, दिलीप जी मैं मैसेज में अपना नंबर डाल दूंगी आप देख लीजिएगा। सोन मेघवाल जी, संदीप कुमार जी, राजेंद्र पाल जी, रूपचंद पंडित जी, ई आर के डंडोरिया जी, अवधेश सरोज जी, मनजीत आनंद शाहू जी, दीपक उषा ढाका जी, अमित शाह, मोहम्मद कामिल और संदीप बिरला। संदीप बिरला सवाल पूछ रहे हैं कि इन महोदय ने इन मतलब, हालांकि मैंने जवाब दिया है कि प्रोफेसर जयकिशन है, मैंने पूरी बात सुनी है, लेकिन 1978 वाली बात जिस नाम से उन्होंने संगठित किया वाल्मीकि नाम से, फिर उसे भूल गए, क्योंकि हम अगर संगठित हो सकते हैं तो वाल्मीकि नाम से ही हो सकते हैं। सर संदीप बिरला आपसे सवाल पूछ रहे हैं। क्योंकि हम लोग यहाँ पर मेहतर के नाम से रजिस्टर्ड है, हमारा जो अनुसूचित अनुसूची है शेड्यूल कास्ट की लिस्ट है उसमें हमारे को मेहतर कहा जाता है, हम वाल्मीकि कहेंगे तो ओबीसी बिहार में, और भी, बिहार में भी, बिहार सभी जगह, सिर्फ पंजाब हरियाणा और वेस्टर्न यूपी, ईस्टर्न यूपी में भी वाल्मीकि नहीं चलेगा, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी वाल्मीकि नहीं चलेगा। सवाल है ना कि एक तरफ तो वाल्मीकि शब्द चलन में, जैसे अभी जैसे संदीप बिरला जी भी बोल रहे हैं, ये केवल संदीप बिरला जी की जिज्ञासा नहीं है, लगातार इस पे चर्चा होती जा रही है कि आप मतलब वाल्मीकि नाम से संबोधित किया जाए ताकि एक अस्मिता मूलक नाम आप मतलब एक एक अच्छे आइडेंटिफाइड पहचाना जाए। लेकिन दूसरी तरफ अगर पेशे को देखा जाए तो सीधा सा है, अगर साउथ की तरफ हम बढ़ते हैं तो ये पेशा तो है ही नहीं वाल्मीकियों का, तो बहुत स्ट्रॉन्ग कास्ट है, मतलब आप साउथ के कई स्टेट में चले जाइए, महाराष्ट्र में भी नहीं है वो, महाराष्ट्र में भी वाल्मीकि मछुआरे होते हैं जी, मछुआरे होते। तो ये बड़ा मतलब आप क्या इस पे टिप्पणी देंगे संदीप बिरला जी भी? देखिए उस पे, उस सवाल पे बहसबाजी करने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए मैंने आंसर यूज किया। देखिए हमने एक जाति जोड़ो समाज जोड़ो आंदोलन खड़ा किया है, जाति जोड़ो समाज जोड़ो, तो हम लोग जो आपने बताया था ना, इस तरह के हम लोग पाम्पलेट गले में डाल के गली गली सड़कों में मोहल्ले में घूमते हैं, सबको काम सबको मकान, उसी तरह जाति जोड़ो समाज जोड़ो बहुत सारे हम लोग वो किए हैं। तो जो बाबा साहब ने शेड्यूल कास्ट किया था उन्होंने, यानी हमको क्या है शेड्यूल किया था, शेड्यूल का मतलब क्या है जोड़ना, जो हमारी हजार जातियां हैं पूरे भारत भर में उसको शेड्यूल किया था, जोड़ा था। लोग कहते हैं जातियों को तोड़ो, यानी आप हजार एक एक चांडाल से आप क्या है 100 हो गए, 100 से हजार हो गए, हजार से 1 लाख हो जाएंगे, तो टूटते चले जाएंगे। अब चूड़ा वाल्मीकि भंगी 3 हो गए, हमारे यहाँ मिला के मेहतर हो गए, यानी एक चूड़ा जाति से कितने जातियां हो गए, तो उसमें नुकसान हुआ या फायदा हुआ? हमको नुकसान हो गया। अगर वाल्मीकि नाम से जुड़ते हैं तो कौन था रोकने वाला आपको?
महाराष्ट्र में सारा सुदर्शन समाज, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सारा सुदर्शन समाज, 26 जातियां हैं उसमें, 26 जातियां हैं। वो कोई भी वाल्मीकि को लेने के तैयार नहीं है, वो वाल्मीकि स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, और वाल्मीकि जो अपने आपको कहते हैं वो सुदर्शन को लेने के लिए तैयार नहीं है। और राजस्थान में और इसमें क्या नाम अपना गुजरात में वो नवल महाराज को मानने के लिए मानते हैं, वो दूसरे को लेना ही नहीं चाहते। तो आप क्या है, संतों में बट गए, आप लोग जातियों में बटे हुए, संतों में बटे हुए हैं। तो इसके बजाय एक ही आपको लो सलाह है कि बाबा साहब ने कहा था कि बाबा साहब की विचारधारा पे चलो, बौद्ध धर्म को ले लो, बौद्ध बन जाओ, सारा जो समाज है, सारा जो अनुसूचित समाज है, सारा एक जगह जुड़ जाएगा। इसमें बौद्ध धर्म में क्या बुराई है, बाबा साहब के विचारों में क्या बुराई है, अगर हम बाबा साहब को मानते हैं तो बौद्ध धर्म को भी लेना चाहिए। जी सर, इसमें भी मतभेद तो है ही ना कि बहुत सारे लोग बाबा साहब अम्बेडकर के विचार किसी से सहमत हैं, लेकिन अगर वो बुद्धिस्ट बन जाए तब भी उसी जाति में रहे, तो ये एक धर्म परिवर्तन का ही एक तरह से हुआ, वैचारिक परिवर्तन तो नहीं हुआ। सर आगे बढ़ते हैं, और भी बहुत सारे सवाल हैं। हाँ, नंदराम सुमन जी लगातार बने हुए, वीरेंद्र आजाद जी, मुकेश कुमार, ओम प्रकाश, अमन चौधरी, दीपक उषा ढाका, जयभीम बोल रही हैं, संदीप बिरला जी दोबारा फिर से गुड जॉब कहते हैं सर आपको, रूपचंद पंडित जी सवाल पूछ रहे हैं सर कि हमारे समाज का वास्तविक इतिहास व सामाजिक महापुरुषों की जानकारी बहुत कम बहुजनों को है, हमें क्या करना होगा कि यह जानकारी सभी बहुजनों को हो। जी बाबा साहब ने जैसे महाराज जिक्र किया, बाबा साहब ने अछूत कौन और कैसे में सारा लिख दिया है कि हम क्या थे, कहाँ से आए, सारा इतिहास लिख दिया। उसके पहले का इतिहास नहीं मिलता हमको। तो बाबा साहब ने जो लिखा है कि हम इस देश के मालिक थे, बाहर के विदेशों से हम हार गए, अछूत बन गए, गुलाम बन गए, और आज हमारी हालत ये है। तो आगे आप पीछे के इतिहास में जाने से कोई फायदा नहीं है। क्रांति खोड़े जी हमारे साथ लगातार बने हुए, डॉक्टर सुनेत सोनटके, सीताराम, यमन अंकुर, सतपाल आनंद, प्रोमिला सोरिया जी, वाल्मीकि रोहतास छान, दीपक उषा ढाका जी कहते हैं आई डू एग्री विद मिस्टर रूपचंद पंडित, जिसका अभी मैंने आपका जिक्र किया। फर्स्ट वी नीड टू टेल अवर कम्युनिटी अबाउट द हिस्ट्री ऑफ एनसेस्टर एंड सोशल रिफॉर्म्स हेल्ड फ्रॉम अवर कम्युनिटी पर्टिकुलरली एंड नीड टू नो देयर प्रिंसिपल देयर प्रिंसिपल्स। एक सेकेंड सर, माफी चाहूंगी, आपका सवाल मैं आगे नहीं पढ़ पाई क्योंकि इसमें ये शायद कुछ प्रॉब्लम आ रही है। मैं दोबारा फिर से आपका प्रश्न को लूंगी, सर से दोबारा लूंगी। मलकित कल्याण जी, कोमल बोध जी, मलकित कल्याण जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, मैं दूसरे फेसबुक पेज पे जाना चाहूंगी जहां बहुत सारे लोग आपके आपको लगातार सुन रहे हैं। सर सुरेंद्र पाल सिंह जी, विजय बोध, रवि सरवान जी, कप्तान सिंह, डॉक्टर सेनाथ सोनटके, सुनील चौटाले जी को मेरा नमस्कार, सुनील कुमार जी वाचिंग, कुंवर पाल, ए के साव, सोनाली साहू देख रहे हैं, ए के यादव, सर आप हैदराबाद से हैं ये प्रश्न पूछ रहे हैं। सर ने बताया है शायद कि आप, सर एक बार रिपीट कर दीजिए, आपसे जानना चाहते हैं लोग कि क्या आप हैदराबाद से हैं। मैं हैदराबाद से हूँ, यहीं पैदा हुआ मैं, जो हैदराबाद जो मूल जहाँ पे कुली कुतुब शाह के जमाने से 400 साल पहले जो हैदराबाद बसा था वहीं से शुरू हुआ था, उसी मोहल्ले में हम लोग रहते हैं। उसके बाद बहुत बड़ा हैदराबाद, हरियाणा से हमारे माँ बाप आए थे, हमारे माँ बाप जो रॉयल आर्मी में थे, वो रॉयल आर्मी फिर वो टूट फट गई, वो सेकंड वर्ल्ड वार के बाद रही नहीं, उसके बाद फिर बेरोजगार हो गए, गाँव में कुछ था नहीं, ना खेती ना बाड़ी ना कुछ जमीन ना जायदाद, फिर वो किसी कारणवश अपना रोजगार ढूंढते ढूंढते हैदराबाद पहुंच गए, उनके कोई रिश्तेदार थे पहले यहाँ से, तो वो यहाँ आ गए, फिर यहीं बस गए, यहीं मैला ढोया, यहीं सब कुछ किया, फिर हमारी बड़ी बहनें हैं, दो बहन, उन्होंने मैला ढोया, उसके बाद उनकी शादियाँ हो गई, फिर हमने मैला ढोया, फिर हमने छोटे भाइयों को पढ़ाया, तो हम लोग हैदराबाद के हो गए, तो हैदराबाद में ही पढ़े, हैदराबाद में ही सब कुछ किया, मगर जुड़े रहे हम लोग हरियाणा से। तेज बहादुर जी, तेज बहादुर बीके बोल रहे थे, थैंक प्रोफेसर जयकिशन सर फॉर रिवोल्यूशनरी स्टेप इन द सोशल रिफॉर्म, आपको बोल रहे हैं सर, थैंक यू तेज बहादुर जी, आपने सर का जो विचार सुने उसमें आप उनको धन्यवाद दे रहे हैं। ए के छाव जी कह रहे हैं कि शायद वो आपको जानते हैं, आप भी शायद जानते होंगे। बाबूलाल बुरांडा जी लगातार बने हुए हैं, सर्वेश मौर्य जी, ए के छाव आपसे सहमत है, एक सार्थक प्रयास है और यकीनन एक क्रांतिकारी पहल सर आप कर रहे हैं, आपके लिए कहा गया है सर, धन्यवाद जी।
एके छाव जी ने कहा है कि मैं भी आपके कार्यकाल में उस्मानिया यूनिवर्सिटी में था, एमए हिंदी में, आपके शायद स्टूडेंट रहे होंगे। नवीन चंद्रा जी लगातार देखते हैं, प्रेमलता जी, मलकीत कल्याण जी भी बात कर रहे हैं लगातार, और ये कह रहे हैं कि द नेम ऑफ वाल्मीकि इज रिकॉर्डेड इन द सेंसस ऑफ 1891 इन पंजाब। वाल्मीकि शब्द के ऊपर प्रयोग कर रहे हैं सर, जब आप चर्चा कर रहे थे आपने जो जिक्र किया था कि अमीर चंद वाला जो जिक्र किया था ना सर, उनके आने के बाद वाल्मीकि शब्द अस्तित्व में आया। मलकीत कल्याण जी कहना चाह रहे हैं कि वाल्मीकि शब्द जो रिकॉर्ड में आया है वो 1891 में भी आया है पंजाब में। और आई आल्सो एग्री विद मलकीत कल्याण जी, आप मेरी बात सुन रहे हैं, मैं भी आपसे सहमत हूँ क्योंकि ये मैंने भी पढ़ा है। और मैंने ये भी पढ़ा है कि 1933 में भी जब सेंसस हुआ था तो उसमें वाल्मीकि शब्द लिखा गया था बकायदा धर्म की जगह पे। और पिछले दिनों आपको याद होगा हमारे साथ जब बने हुए थे एक दीदी, आपको याद होगा एक कर्नाटका से हमारे साथ थे जो, तो जब मैं उनका वाइस चांसलर भी टीवी कट्टीमणि जी, टीवी कट्टीमणि जब मैं प्रोफाइल पढ़ रही थी तो उन्होंने रिलीजन की जगह वाल्मीकि लिखा हुआ था। यस यस, हमने बात भी की थी कि सर ये क्या है, क्योंकि अभी तक हम ये मानते हैं कि वाल्मीकि शब्द एक कास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, या ये कहे कि जो जातियां साफ सफाई का काम करती हैं उनको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में वाल्मीकि कह रहे हैं अलग। हालांकि सर की बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि सफाई पेशे से अलग अलग जातियां अलग अलग, पूरा स्टैंडर्ड भी दिखाई देना है वाल्मीकि, तो लोग उसको जल्दी पकड़ रहा है। तो इसलिए ये भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है। दोबारा फिर वो ये कह रहे हैं कि 1721 में पंजाब की जनगणना में वाल्मीकि नाम दर्ज। मलकीत कल्याण जी, आपकी ये जो आपने राइटिंग में लिखा है वो मैं देख नहीं पा रही प्रॉपर, आप 1891 लिखा है या 1892 लिखा है, ऐसा कुछ है बता रहे हैं वो दोबारा से। खैर आगे बढ़ते हैं। कमल बोधी जी लगातार बने हुए, निशा जगदीश पारचा महाराष्ट्र से है, स्वच्छकार समाज की आवाज यूट्यूब चैनल में हमारे साथ लगातार बनी रहती है, बहुत क्रांतिकारी महिला है, समाज के लिए बहुत काम कर रहे हैं। थैंक यू निशा जी, आप लगातार इसमें बने हुए हैं। आपको जय भीम बोल रही हैं सर, निशा जी आपको जय भीम बोल रही हैं, आपको धन्यवाद कर रही हैं कि आप जैसे जमीनी काम करने वाले व्यक्तित्व के धनी को सुनने का मौका हमें कौशल जी ने दिया। थैंक यू निशा जी, थैंक यू प्रोफेसर प्रोफेसर जयकिशन सर जिन्होंने हमें कीमती टाइम दिया है। तेज बहादुर जी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आप लगातार इसमें बने हुए हैं। और आप जो पूछ रहे हैं सर, प्रश्न उन्होंने पूछा है, प्रोफेसर जैकिसन सर नमस्कार, आई एम फ्रॉम नेपाल, हाईली इन्फ्लुएंस्ड विद योर मोमेंट, वुड यू प्लीज हेल्प मी प्रोवाइडिंग द सोर्सेज ऑफ दलित रिलेटेड बुक्स। तेज बहादुर जी मैं सर की बुक्स का नाम आपको बता देती हूँ, और इसके अलावा हम आप मुझे मैसेंजर में भी मैसेज करके डाल सकते हैं। सर की बुक का नाम आप नोट करना चाहे तो नोट कर, वो दलित साहित्य पूछ रहे हैं, दलित साहित्य पूछ रहे हो, अच्छा दलित रिलेटेड बुक्स, ठीक है। ये मैं आपको बता दूंगी अलग से। हाँ आगे सर, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। चुन्नू प्रसाद जी लगातार बने हुए हैं, कमल बोधी नेहा जी की, निशा जी की सवाल को अगर बात कर रहे हैं, हमें अगर ऐसे पेशों को छोड़ना है तो क्या रणनीति हमारी होनी चाहिए, सफाई कर्मचारियों जी, लास्ट सवाल। देखिए अगर हम चाहे तो इस पेशे को छोड़ सकते हैं, क्यों नहीं छोड़ सकते, जब दूसरे लोग छोड़ सकते हैं। महारों ने मरे हुए जानवरों को ले जाना छोड़ दिया बाबा साहब के कहने पे, कमारों ने छोड़ दिया तो हम भी छोड़ सकते हैं, हम भी बहुत सारे अल्टरनेटिव है ना हमारे लिए, जिस तरह आपने छोड़ा मैंने छोड़ा, हमने भी उस पेशे को छोड़ा ना, अल्टरनेट है ना आपके पास, क्योंकि वो तो आपको आर्थिक आर्थिक भी रूप से गुलाम बनाता है ना, पैसे ज्यादा मिलते हैं ना इज्जत ज्यादा मिलती है, कि क्या है उसमें, कुछ भी नहीं, आपको मजबूर भी नहीं किया जाता, जैसा हमारे माँ बाप को इस पेशे को करने के लिए मजबूर किया गया ना, उनको हंटर से मारा गया, उनको लात मारी गई, उनको जबरदस्ती ये काम करवाया गया, मगर आज आपको तो जबरदस्ती नहीं करवा रहे ना वो लोग, तो कोई भी काम कर सकते हैं आप, उससे हटके कोई भी काम करो उससे अच्छा जी सकते हैं जी, सिर्फ आपकी मानसिकता बदलनी चाहिए, मन में ये ठान लें कि भाई देखिए मैंने 5 साल मैला ढोया है, मेरे मन में यही था कि इस पेशे को छोड़ना ही है और कुछ ना कुछ करना ही है, तो आगे यहाँ तक पहुंच गए हम लोग।
तो सभी को यही कहते हैं कि इस पेशे को छोड़ना है तो कुछ करो, आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। सही 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 किशन भाई। मलकीत कल्याण सर पूछ रहे हैं, सर इट इज फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन दैट वाल्मीकि वर्ड वाज अवेलेबल इन द सेंसस ऑफ 1891 इन पंजाब, इस पे सर कमेंट आपका जानना चाहते हैं लगातार। नहीं देखिए, वो 1000 साल पहले हमारी जाति वाल्मीकि थी, तो अब क्या फायदा उससे बताइए, क्योंकि शेड्यूल में अब एक या दो स्टेट के अलावा कहीं पर भी शेड्यूल में नहीं है तो क्या करें, उससे नुकसान ही है ना, फायदा नहीं है ना। अगर आपको उससे फायदा है तो सारे भारत में वाल्मीकि नाम रख लो, क्या फायदा, मगर आप तो आरक्षण भी खत्म हो गया, आपको शेड्यूल कास्ट रखने से भी कोई फायदा नहीं है, आपको प्रमाण पत्र रखने से भी कोई फायदा नहीं है। जब आपका आरक्षण सारा खत्म हो गया, 0% कर दिया, उस आरक्षण उस अनुसूचित जाति के सर्टिफिकेट के वजह से उस जाति के नाम से आपको जो सुविधाएं मिलती खत्म हो गई सारी, तो आप क्या करेंगे उस जाति प्रमाण पत्र को लेकर, अब तो आपको जीने का ही मुश्किल हो गया ना आपको। आगे आगे 80 करोड़ लोग, देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि 80 करोड़ लोगों को हम मुफ्त में राशन देंगे, इसका मतलब क्या 80 करोड़ लोग भूखे नंगे है ना, तो वाल्मीकि कितने करोड़ है उसमें, 1 करोड़ होंगे 2 करोड़ होंगे, बाकी लोग कौन है वो जो भूखे नंगे है, तो आपसे ही बदतर हालत है उनकी, तो नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप वाल्मीकि रखिए सुदर्शन रखिए कोई भी रखिए। जी लास्ट सवाल लेते हैं सर, अंका मांडे जी पूछ रही है, लेकिन पढ़े लिखे ना होने के कारण नहीं छोड़ पाते ये, फिर रोजगार कहाँ से आएगा, लास्ट सवाल। देखिए मैं अनपढ़ ही था ना, मैं अनपढ़ से पढ़ा लिखा हुआ ना, अनपढ़ होने के कारण ही मैंने ये काम किया, अनपढ़ से फिर थोड़ा थोड़ा पढ़ते पढ़ते यहाँ तक पहुंचा ना, हर अनपढ़ आदमी को यहाँ तक पहुंचना पड़ेगा, और जितनी दूसरी जातियां हैं अनपढ़ है, ब्राह्मणों में से लेकर सारी जातियों में अनपढ़ लोग होते हैं, वो उस काम को नहीं करते ना वो लोग, ठीक है हमारी मजबूरी थी, हमारे पूर्वजों ने किया, मजबूरी थी हमारी, उस समय क्या है जबरदस्ती करवाया गया, सजा के रूप में करवाया गया, आज आपके लिए कोई सजा नहीं है ये, आज आप आजाद है, कुछ भी काम कर सकते हैं, और इससे ज्यादा पैसे मिलेंगे आपको, इससे कम उसमें वो आपकी इज्जत भी ज्यादा मिलेगी, काम कर सकते हैं आप, नहीं करना चाहे तो कोई भी नहीं। अच्छा एक और बात है, ये पेशा भी आपसे चला गया ना, सिर्फ आपकी जाति नहीं है, अभी कम से 200 जातियां इसमें घुस गई हैं, इस पेशे में भूखी मरती हुई गरीबी के कारण इस पेशे में घुस गई हैं। एक उदाहरण देता हूँ, हमारे यहाँ ट्राइबल होता है लंबाड़ी, उसको बंजारा भी कहते हैं, और वो राजस्थान से माइग्रेटेड है यहाँ पर, वो कई लाखों में रहते हैं लोग, पहले शुरू में ओबीसी थे, उनके पास जमीन जायदाद थी सब कुछ थी, तो जमींदारों ने क्या है छल कपट से उनकी जमींदारी छीन ली, आज वो क्या है 1 एकड़ में 1000 परिवार रहते हैं, 1 एकड़ में सोचिए, छोटे छोटे झोपड़े में रहते हैं, गंदगी में रहते हैं, वो सारा क्या है जो शहर का जो कचरा होता है उस कचरे को ढोते हैं वो लोग, हमारे से ही बदतर काम करते हैं वो लोग, कौन थे वो लोग, एक ऐसा समाज जो भंगी जाति में नहीं था, अनुसूचित जाति में नहीं था, वो एक भंगी बन गया। वो एक मोहम्मद खड़स की एक किताब है, मोहम्मद खड़स एक बहुत बड़े रिसर्चर हैं, तो उन्होंने लिखा है कि हमारे समाज में एक प्रथा थी, जो बाहर के जाति के लोग जब हमारे समाज में मिलना चाहते थे, उसमें ब्राह्मण भी होते थे, क्षत्रिय भी होते थे, वैश्य होते थे, एक पूजा पद्धति होती थी उसको अपने में लेने के लिए, और इस तरह हमारी जो संख्या 1000 से 1 लाख हुई, 1 लाख से 1 करोड़ हो गई, हम उतने नहीं थे पहले, जो इस समाज के लोग है, जो ये सफाई पेशे के लोग है, वो बहुत कम संख्या में थे, बढ़ते 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 इतनी हो गई, आज करोड़ों में हो गए हम लोग, यानी अन्य जातियां भी इस पेशे में आ गई, तो आपका पेशा रहा कहाँ, ये जो आप कहते थे हमारे बाप दादा का पेशा है, वो नहीं रहा ना आपके हाथ में, वो तो चला गया, सुलभ इंटरनेशनल जैसे लोगों ने ले लिया है, उसके ठेकेदार बड़े बड़े ठेकेदार हो गए, हमारे यहाँ और बहुत सारे लोग ठेकेदार हो गए हैं, तो उनके हम बंधुआ मजदूर बन गए हैं, तो आप तो उसे वो पेशा भी आपसे छीन लिया गया, पेशा है कहाँ जी, कारपोरेटीकरण कर दिया गया ना उसका। और देखिए अभी डिक्की नाम की एक संस्था है यहाँ पे, जो अपने आप को बहुत बड़ा वो कहती है कि अछूतों में बहुत बड़ा वो संस्था है, फिक्की के कंपटीशन में आया, वो डिक्की ने क्या किया है, जो सेफ्टी ये होती है ना मशीनें लाकर, और हमको गुलाम बना दिया गया, 40-45 लाख उसका। हेलो हेलो सर की आवाज, माफी चाहूंगी सर की आवाज बीच में डिस्कनेक्ट होगी। हेलो सर, अनम्यूट करना पड़ेगा, म्यूट हो गया सर, लाल वाला बटन दबाना पड़ेगा, लाल वाला बटन सर, सर रेड बटन प्रेस कर दीजिए, अनम्यूट हो जाएगा, रेड बटन प्रेस करना पड़ेगा सर। हाँ
सर माफी चाहूंगी आप, मुझे लगता है आवाज आपकी नहीं आ पा रही मेरे तक। हाँ हेलो हेलो, आवाज आई मेरी? हाँ अब आइए सर, अब आइए सर। आ रही मेरी आवाज? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर, आ रही है सर आवाज। सर सर अंतिम सवाल सर, स्वच्छकार समाज के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर, आपकी अंतिम टिप्पणी, स्वच्छकार समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आखिर मेरा यही संदेश है, एक हमारा जो उद्देश्य है जी, उन्होंने लिखा था कि समाज का इस देश का उद्धार भी। हाँ जी जी ठीक है सर, अब इस देश का, इस समाज का, इस देश का उद्धार भी इसी समाज का आदमी करेगा, क्योंकि ये सबसे निचले पायदान पे। तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आज की हालत इतनी भयंकर परिस्थिति हमारी के भुखमरी से भुखमरी में जाने वाले, और अगले 5-10 साल ये हालत रहने वाला है। आर्थिक तौर पे हम सारा देश हमारा गिरवी रख दिया गया है, तो ऐसे हालत में आपको समय के अनुसार चलना होगा और तैयार रहना होगा कि अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए। आपको जो जीने का अधिकार संविधान ने दिया गया है, उस संविधान के अंतर्गत आपको लड़ना होगा। इस देश में किसी चीज की कमी नहीं है, धन की, दौलत की, अन्न की, इस किसी चीज की कमी नहीं है, मगर क्या है, लोग संगठित नहीं है, और लोग संगठित होंगे तब ये समस्या का निदान होगा, मगर सिर्फ अपने ही जाति के बलबूते पे या शेड्यूल कास्ट के बलबूते पे हासिल नहीं किया जा सकता। आज का दौर ऐसा हो गया है, तो सारे जितने गरीब लोग हैं सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। इसलिए हमने नारा दिया है, जाति जोड़ो समाज जोड़ो। जब सारी गरीब जातियां जुड़ेंगी तो संगठित ताकत बनेगी, और जो ये सत्ताधारी लालची लोग बैठे हैं उनको हटाएंगे, और फिर अच्छे दिन आएंगे। और बौद्ध धर्म में भी 2500 का एक सर्कल होता है, 2500 साल का एक चक्र होता है, तो 2000 साल खराब होने में लगते हैं, 500 साल फिर से अच्छा होने में लगते हैं। बाबा साहब ने जो धर्म चक्र प्रवर्तन किया था 56 में, वो 50 साल हो गए, तो आगे बढ़ता रहेगा, अच्छे दिन आएंगे, मगर टाइम लगेगा। जी जी थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। लगातार जितने लोगों ने इस बातचीत को सुना, मलकीत सिंह कल्याण जी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ, तमाम लोग, नाम लेना थोड़ा मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, खासकर तेज बहादुर जी, बीके, जो लगातार इस चर्चा को सुन रहे थे, तमाम लोगों को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। कल इसी वक्त हम फिर जुड़ेंगे, प्रोफेसर माया देवी जी हमारे साथ होंगी कल 7 बजे, बने रहिए हमारे साथ स्वच्छकार समाज की आवाज़ में, और देखते रहिए स्वच्छकार समाज की आवाज़। आपके प्रश्नों के साथ हम कल फिर हाजिर होंगे इसी समय 7 बजे। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत कीमती समय हमें दिया, तमाम लोगों का मैं बहुत सबसे अनुरोध भी करूंगी, स्वच्छकार समाज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी आवाज पहुंच सके। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, आपने इतना कीमती समय, धन्यवाद, आभार सर। ये ना बंद कर दो।